आफ्टरनून फ्रेंड्स. वेल, आपने काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें सुनी हैं और थोड़ी कसरत भी कर ली. आपके ही किसी दोस्त से आपने अपनी खुद की स्टोरी का रिफ्लेक्शन सुना है. तो इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आपसे कुछ अलग किस्म की बात करना चाहेंगे. वी गोना टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप विद द माइंड, राइट? माइंड क्या चीज़ है? गुर्दा होता है, कलेजा होता है. व्हाट इज द माइंड? इट्स अ पार्ट इन आवर अपर बॉडी. ओके, चलिए ठीक है. माय वाइफ डजंट अग्री विथ यू, बट ठीक है. व्हाट डू यू थिंक? माइंड क्या है और ब्रेन क्या है? दिमाग और मन, ये क्या चीज है? हम काफी कंफ्यूज है ना इसके बारे में. आई यूज इंटरचेंजेबली. ब्रेन इज विजिबल, माइंड इज नॉन विजिबल. ओके, दैट्स अ गुड आंसर. एनीबडी एल्स? कोई सही या गलत कुछ नहीं होता यार, तुक्के लड़ाने में क्या हर्ज है? पावर ऑफ थिंकिंग. ओके, थॉट्स. सो हम इतना कैजुअली यूज करते हैं, राइट? आज मन में कुछ डिस्टर्बेंस है, मेरा एक दोस्त है उसका दिमाग खराब है, राइट? बट हम अभी भी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि दिमाग में और मन में फर्क क्या है. दिमाग हमारा एक ऐसा सिंगल एक ऑर्गन है हमारे शरीर में जो बहुत सारे अलग अलग काम करता है. आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके लिवर, आपके किडनीज, आपका पैनक्रियाज, सबके डिफाइंड फंक्शन है, राइट? और सबके क्लियर कट फंक्शन है. जब बट दिमाग ऐसी एक चीज है जिसके अनेक अलग अलग फंक्शन है. पैरालिसिस हो जाता है ना लोगों को, स्ट्रोक बोलते हैं जो, लकवे की बीमारी. उसमें क्या होता है? कुछ खून की कमी हो जाती है शरीर दिमाग के कुछ हिस्से में, या ब्लीड हो जाता है, हिमरेज हो जाता है, तो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं. किसको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, किसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कभी कभारी फीलिंग, सेंसेशन, स्मेल डिस्टर्ब हो जाती है. तो ये सब फंक्शंस है ब्रेन के. हाथ पैर चला रहे हम, ये ब्रेन का फंक्शन है. मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरे ब्रेन का फंक्शन है. आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी इंद्रियों से आप मेरी चीज़ को दिमाग तक पहुँचा पा रहे हैं, ये आपके ब्रेन का फंक्शन है. उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, ये ब्रेन का फंक्शन है, राइट? लेकिन जब मैं आपसे ये बात कहता हूँ और आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, तभी आपको कुछ चीज़ें सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों से थोड़ा सा चुभन भी होती है. तो ये जो फीलिंग आप में इंस्पायर होता है, ये आपके मन का काम है, राइट? सो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि दिमाग की कार्य क्षमताएँ क्या है, दिमाग का काम क्या है और मन क्या होता है. दिमाग की बीमारियाँ और मन की बीमारियाँ अलग अलग होती है, बट द माइंड इज अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन. दिमाग के अनेक अलग अलग कार्य होते हैं, उसमें से सोच, विचार, स्वभाव, आपकी फीलिंग्स, भावनाएं, ये सब उसका एक कार्य है. ओके, सो हम पहले आपको आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में सताते हैं या हमें उससे डिस्टर्बेंस होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ भी है, किस तरह से आपके नज़रिए को चेंज करने से फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे. और आखिरकार आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स समझाएंगे या सिखाने की कोशिश करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे शायद आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके स्वभाव में, आपके दृष्टिकोण में थोड़ा सा फ़र्क लाया जा सकता है. वी आर गोना गिव यू सम क्वेश्चंस थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, जिससे हम आपका फीडबैक लेना चाहेंगे और साथ साथ में आपको थोड़ी जानकारी भी मिलेगी. तो विच ऑफ दीज इश्यूज़ कैन कॉम्प्रोमाइज मेंटल हेल्थ, यानी कि इनमें से किस चीज़ों से आपकी मानसिक हालत पे बुरा असर हो सकता है? डेली हैसल्स, रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स, मैरिटल इश्यूज, फिजिकल बीमारियां या आर्थिक दिक्कतें. यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स नाउ. ऑल ऑफ देम, एक्सलेंट. सो वी हैव अ वेरी वेरी लर्नड ऑडियंस. यस, ये सभी चीज़ों से दिमागी हालत में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, टेंशन आ सकता है. सो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बॉदर करती है? शुरुआत सुबह से ही हो जाती है, राइट? आप सभी उठते हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, वहाँ से ही आपकी मुसीबतें शुरू हो जाती है. स्कूल में पहुँचाना, या तो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या खुद छोड़ने जाना है, काम पर जाना है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है, राइट? कैसे भी करके सुबह सुबह घाई घाई से निकलना है, 8:13 की लोकल है गोरेगांव स्टेशन से. सो ये सभी दिक्कतें हैं. बारिश की वजह से और कॉम्प्लिकेट हो जाती है सिचुएशन. कभी कभार ही पता नहीं चलता है कि ट्रेन लेकर जाना है कि नाव में बैठना है, राइट? और ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेशन का नाम क्या है पता है आपको? नाला सोपारा. बस में जाओ तो भी वही हालत है. कहीं भी कोई सुविधा नहीं है. प्राइवेट गाड़ी भी रही तो सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है. चाहे 50 लाख की भी गाड़ी लेके जाइए, रास्ते तो वही है जो रिक्शा वाले और बस में आपको यूज़ करने हैं. लेकिन इसी में भी कैसे ना कैसे इंसान अपना जुगाड़ कर लेता है, राइट? ट्रेन में ज़िंदगी निकल जाती है और काफ़ी कुछ सीखने करने मिलता है. लोग ट्रेन में शॉपिंग भी कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, अपनी धार्मिक और अपनी आस्था की ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, दोस्तों के साथ मज़े हो जाते हैं, पत्ते खेल लेते हैं. यहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और ट्रेन से सफ़र करता तो मलाड स्टेशन पे काफ़ी बार मैं देखता कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे के बिल्कुल सामने हमेशा एक ग्रुप खड़ा रहता है, पत्ते खेल रहा है. क्योंकि उनकी गेम अगर पूरी नहीं हुई मलाड स्टेशन आने तक तो उनको स्कोर डिस्टर्ब नहीं करना है, अपना टैली डिस्टर्ब नहीं करनी है, तो गेम पूरी कर कर ही घर जाते थे. सो ये सभी चीज़ें ऐसी है कि इंसान ने अपना जुगाड़ करना सीख लिया है, उसमें से कैसे भी अपनी सुविधाएं पूरी करते हैं, घर जाने तक आधा काम भी निपटा लेते हैं. ये भी ऐसी फोटो है जो शायद आपने देखी हो, सब्जी वब्जी भी काट लेते हैं, घर जाके थोड़ा वक्त बच जाएगा, अपनी नींद की जरूरतें पूरी कर लेते हैं, राइट? किसी ने बहुत खूब कहा है कि मरने के बाद चाहे चार खंधे मिले ना मिले, लेकिन ट्रेन में एक आधा खंधा मिल जाता है. और जुगाड़ करना ये तो हमारी खासियत है, राइट? आप देख रहे हैं, अगर कंधा ना भी मिले तो अपना बंदोबस्त कैसे भी कर लेना है. सो ये इंसान की खासियत है. और इतने टेंशन होने के बावजूद भी कैसे ना कैसे इंसान अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेता है. मराइटल प्रॉब्लम्स, राइट? आर दे अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस? यस, नो, मे बी, डोंट नो, के बीवी से पूछ के बताता हूँ. यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स नाउ. कुछ एक पत्नी व्रता पति भी है जो पूछ के बताएंगे हमें, राइट? कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी तक जानते नहीं है, उनकी शायद ही नहीं हुई होगी शायद. एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस, के क्या शादी मुसीबत की जड़ है? पहले तो शादी करने के लिए कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, राइट? खास करके मेल्स, उनको तो शादी करनी नहीं होती है, घर के लोग कैसे भी पकड़ पकड़ के शादी कर लेते हैं. और अगर हो भी जाए तो होते ही मुसीबत का भंडार टूट पड़ता है, प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं. और कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इंसान इसमें जुट जाता है. मेरे एक पेशेंट ने मुझसे खूब कहा था कि शादी के पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई अच्छी पकाने वाली मिल जाए. साला बोलना भूल गया कि खाना पकाने वाली. और यही मुसीबतें फेस करते करते आपकी मैरिज की गाड़ी आगे चलती है. कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेता है इंसान. जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, अभी शादी की है, निभाना तो है. लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज के साथ एडजस्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे की कमियों को पूरे करने लग जाते हैं. क्योंकि सच बात तो यह है कि जब ज़िंदगी धीरे धीरे करके कट जाएगी, बच्चे बड़े होकर निकल जाएंगे, बूढ़े माँ बाप चल बसेंगे, नेबर सब निकल जाएंगे, ले दे के बचेगा कौन? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बचे रहते हैं. और ये चीज़ को समझना ज़रूरी है हमें, क्योंकि जितनी भी मुसीबतें हो, जितनी भी तकलीफ़ें हो, जितनी भी दिक्कतें हो एक दूसरे के साथ, स्वभाव में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अल्टीमेटली आप ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे आएंगे जब आपके लिए आपकी स्पाउस, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. कभी कभार ये नेबर की अच्छी दिखने वाली लेडी भी हो सकती है, बट वी विल नॉट गेट देयर. बट यू हैव टू एन्जॉय द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ with your spouse, right? और ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके हमारे कल्चर में, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों की एक ही शादी होती है. और सहन शक्ति ये हमारे जीन्स में है, राइट? हम अभी थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं. लेकिन जब आप किसी 60-70 ईयर के कपल से आप बात करेंगे, तब आप जानेंगे कि
अब अच्छे हस्बैंड या अच्छी वाइफ होने का क्या महत्व होता है, सपोर्ट सिस्टम होने का क्या महत्व होता है. तो जो काफ़ी लोगों के लिए टेंशन का एक कारण है, एक्चुअली टेंशन का उपाय भी वही है, राइट. तो ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं तो शायद आपकी ओपिनियन थोड़ी सी अलग हो. ये वो कपल आपको याद होगा, वोडाफोन की एड में आता है, दे आर अ रियल हस्बैंड एंड वाइफ कपल इन एक्चुअल लाइफ, दे आर अमंग्स द बेस्ट डांसर्स इन द कंट्री फॉर क्लासिकल डांसिंग, राइट. एंड उनके कोई प्रोग्राम को देखकर ही वोडाफोन के एडवर्टाइजिंग कंपनी को इंस्पिरेशन मिला के अगर हमें अगर वोडाफोन की नई एड में अगर किसी को लेना है तो दिस इज द बेस्ट कपल. सो अ रियल लाइफ कपल कुड इंस्पायर एन ऑन स्क्रीन कपल, एंड मे बी दैट कपल इज ऑल्सो यू. आप सिर्फ अभी तक वोडाफोन की एड में आए नहीं है, बस उतनी कमी है, राइट. ओके, फैमिली टेंशन, क्या यह वजह है? यस, हर घर की वही कहानी है, कहीं सास बहू, कहीं बेटी माँ, कहीं बाप बेटे, खत्म नहीं होता है. चाचा भी आ जाते हैं, राइट. पहले तो कैसी बहू मिलेगी ये मुसीबत होती है, ऐसी ना मिल जाए वैसी ना मिल जाए. बहू को टेंशन ये है कि सास कैसी मिलेगी. आजकल तो सास भी इतनी स्मार्ट और अच्छे दिखने वाली हो गई है कि डिफिकल्ट है पता करना कि सास कौन है और बहू कौन है, राइट. जनरेशन गैप भी बहुत बड़ा इश्यू है. हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, काफी बार सुना है ना, पहले आपने सुना था अपने बचपन में अपने पापा फादर से, और अभी आप सुनाते हैं अपने बच्चों को, कुछ दिनों में अपने पोते को आपके बेटे को सुनाते हुए सुने लगेंगे आप, अगर ऑलरेडी नहीं हो रहा होगा तो. तो जनरेशन गैप भी एक बड़ा इश्यू है, लेकिन ले दे के अल्टीमेटली जो फैमिली यूनिट से आपको जितना सपोर्ट मिलता है, फैमिली यूनिट से आपको जितनी ताकत मिलती है, ये कहीं नहीं मिल पाएगा आपको. वेस्टर्न कल्चर में आज वो रियलाइज करने लगे हैं और वो वापस फैमिली ट्रेडिशन की तरफ आ रहे हैं, वरना वहाँ तो ये ट्रेंड है कि 15-16 साल का बच्चा हो गया तो भैया आप बोरिया बिस्तरा बांधो निकलो, अपना बंदोबस्त आपने खुद करना है. लेकिन अभी धीरे धीरे करके वो रियलाइज करने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप तो देखने वाला कोई नहीं है, नर्सिंग होम में, अस्पताल में या ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं. हमारे वहाँ अभी भी वो कल्चर है कि माँ बाप की ध्यान रखना है हमें, और वो आपकी ताकत है, क्योंकि आप अपने माँ बाप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर में, अपने बुढ़ापे के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं अपने बच्चों को अपने माँ बाप के साथ बिहेव करके, वही आपसे वो ऐसा बिहेव करेंगे. सो ये हमारी ताकत भी है, और इसकी सिंपल सिंपल चीज़ें हमारे बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं. अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर, राइट. साथ बैठकर एक बार तो दिन में खाना खाना चाहिए. प्रॉब्लम एक ही है कि एकता कपूर के साथ नहीं खाना खाना है, एक दूसरे के साथ खाना है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आजकल खाने के टेबल पे झगड़ा ये होता है कि कौन सी चैनल चलेगी, स्टार प्लस है कि सोनी है. तो उसमें भी टाइम बच जाते हैं लोगों के, राइट. कोई सोनी की टीवी की सीरियल के वक्त खाना खा लेते हैं, कोई बोलते हैं हमारा सीरियल आने वाला है आधे घंटे के बाद तो हम तब खाना खाएंगे. सो ये सब प्रॉब्लम्स है. साथ में घूमना जाना, एक ज़माने में होता था कि फैमिली साथ में घूमने जाते थे, अब ये है कि माँ बाप अलग जा रहे हैं, बच्चे अलग जा रहे हैं, स्कूल में रहने वाले बच्चे अपने ट्रिप्स पे अलग जा रहे हैं. बट अ फैमिली हैज़ टू हैव एटलीस्ट वन एनुअल हॉलीडे टुगेदर. चाहे तो आप अपने कुत्ते को भी साथ ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पुराने ज़माने में लोग रिलीजियस टूर्स पे जाते थे, राइट. पिलग्रिमेज जत्रा पे जाते थे, वो भी एक किस्म का सपोर्ट था, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जब आपके चाचा मामा फूफा सब इकट्ठा होते थे, एंड दैट वाज लाइक एन एनुअल इवेंट, राइट. गर्मियों की छुट्टी में सब इकट्ठा होते थे. आजकल कोई प्लान कर रहा है दुबई जाना है, किसी को क्रूज में जाना है. हमारे बचपन में तो हम मामा के घर पे चले जाते थे, राइट. एक साथ 15-20 बच्चे जमा हो गए, मामा चले जाते थे छुट्टी के लिए कहीं और, क्योंकि मेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है. बट दैट वॉज आर स्ट्रेंथ. सो योर फैमिली इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस एज मच एज इट इज योर स्ट्रेंथ एंड योर सपोर्ट सिस्टम. एंड ये चीज को हमें भूलना नहीं है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस. यस, पक्का है. पैसे तो मुसीबत, नहीं है तो मुसीबत, है तो कैसे इस्तेमाल करे वो मुसीबत. बॉम्बे जैसे शहर में तो
आधी जिंदगी निकल जाती है पैसे जमा करते करते घर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के लिए, और बाकी की आधी जिंदगी लोन के ईएमआई देने में निकल जाती है। लेकिन कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि घोंसला बनाने के चक्कर में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पंख है ये भूल जाते हैं। तो लोन तो चलती रहेगी जिंदगी भर के लिए, कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है, लेकिन साथ में जीना नहीं छोड़ना है। वरना हर एक महीने में एक्सक्यूज ये होता है कि ये महीने में नहीं जमेगा, आज पैसे अभी ये महीने में पैसे की तंगी है, अगले महीने चले जाएंगे, पिक्चर नहीं जाना है, हॉलीडे को नहीं जाना है। यस देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, बट वी हैव टू फाइंड आवर वे नो मैटर व्हाट। कुछ प्रॉब्लम्स सरकार की तरफ से है, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे खुद के क्रिएट किए हुए हैं। ये जो डीमोनेटाइजेशन का चक्कर था बहुत ही इंटरेस्टिंग चक्कर था। तभी प्रॉब्लम जिनके पास पैसे थे उनके पास नहीं थी, जिनके पास थे बहुत सारे उनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका जुगाड़ कैसे होगा, राइट? तो नहीं है पैसे कोई बात नहीं, वो सब डीमोनेटाइजेशन से काफी खुश थे। हाँ देखो अब आया ना लपेटे में, राइट? जिनके पास थे वो ढूंढ रहे थे लोगों को, भैया आप संभाल लो थोड़ा सा, लाइक नहीं, इमेजिन पैसे दे रहा है कोई और आप इनकार कर रहे हो, बहुत ही विडंबना थी, राइट? तो मोदी ने काफी अलग अलग प्रकार के चीजों से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया है। कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि क्या करें उसका, वो मुसीबत है, और कुछ लोगों के पास नहीं है उसके बावजूद जिंदा है और गाड़ी अच्छी चल रही है, कितने सुकून से सो रहा है बंदा, राइट? तो ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ज्यादा पैसे होना प्रॉब्लम है या कि कम पैसे होना प्रॉब्लम है? बोथ आर अ प्रॉब्लम। तो पैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो भी प्रॉब्लम आएगी जरूरत के हिसाब से, अभी वो तो और बड़ी मुसीबत है। कितनी जरूरत है आपकी? आईफोन 7 आया है मार्केट में, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, क्या बात है, इसका इलाज करवाओ, राइट? है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि है तो कम पड़ रहे हैं, नहीं है तो भी कम पड़ रहे हैं, राइट? क्योंकि इंसान की जरूरतें उसकी इच्छाओं से कम है, और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, जितना भी करो कम पड़ता है। पैसे हैं तो भी प्रॉब्लम है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? हमारी जरूरतों को हमें आंकना है। एक बहुत अच्छी कहावत है, द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन योर बैंक व्हेन यू डाई इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू डिड नॉट नीड टू डू। आप जब इस दुनिया से चल बसते हैं तभी आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं वो उस चीज का प्रमाण है कि आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपने किया। और ये स्टेटमेंट किसने पास की होगी आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। दिस वॉज कॉइन्ड बाय एडोल्फ हिटलर, इमेजिन, राइट? जिन्होंने काफी बिलियन डॉलर्स की वॉर करवाई थी, पूरी दुनिया की शक्ल बदल दी, बट ही वॉज स्टिल अ वाइज मैन व्हेन इट केम टू फाइनेंशियल मैटर्स, राइट? सो there are a lot of people today who have understood this and they give away. One example is Warren Buffett. Naam suna hai aapne? Aise anek examples hain. Warren Buffett ko le lijiye, Bill Gates ko le lijiye. Aaj puri unki thinking badal rahi hai. Right? Kyunki hame paise ki itni zarurat hai, ye to abhi abhi sikha hai humne. हमारी जरूरतें बहुत कम है देखा जाए तो। जो इंसान 5 करोड़ रुपए कमाता है और जो इंसान 5 लाख कमाता है और जो इंसान 50,000 कमाता है, रोटियां तो उतनी ही खाते हैं, राइट? सब्जियां तो वही खरीद के वही खाते हैं, थाली बदल जाती है, जिस टेबल पे रखा है वो टेबल की साइज बदल जाती है, क्वालिटी बदल जाती है। तो जरूरतें बहुत कम है हमारी, लेकिन हम उसको समझने के बजाय सिर्फ होड़ में लगे हुए हैं। हेल्थ इश्यूज आर अ वेरी वेरी बिग सोर्स ऑफ स्ट्रेस, राइट? आप सब उसका प्रमाण है। डायबिटीज से टेंशन होता है ना? होता है? डायबिटीज होने से टेंशन होता है या डायबिटीज ठीक ना होने से टेंशन होता है? यस, डायबिटीज ठीक ना होने से टेंशन होता है। डायबिटीज होना ना होना आपके हाथ में है, लेकिन डायबिटीज ठीक होना आपके हाथ में है या नहीं है? आप जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसका टेंशन जरूर करते हैं, लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, राइट?
वो तो डॉक्टर का काम है, वो तो उनकी पूरे टीम का काम है, वो मेरे वाइफ का काम है, वो खाना अच्छा नहीं बनाती है, वो तेल डालती है इसलिए मैं खाता हूं, राइट? तो होटल में गए तो फिर खाना पड़ेगा, क्या करेंगे वहां? घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन होटल में कोई आपको बंदूक रखकर तो नहीं ले जा रहा है ना, आप मर्जी से जा रहे हैं। तो ये चीज को समझना जरूरी है कि हेल्थ इज एन इश्यू, बट हेल्थ इज एन इश्यू इफ यू मेक इट एन इश्यू। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो। तो बीमारियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बीमारी को नियंत्रण में रखना ये हमारे नियंत्रण में है, राइट? डायबिटीज और स्ट्रेस एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं, ओके? सो व्हाट इज द रिस्क ऑफ डायबिटीज इन पीपल हु आर स्ट्रेस? जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होता है उनमें डायबिटीज होने की कितनी शक्यता है? 25%, 35%, 45%, 55% और 65%? You can give your answers now. 65%. तो ये आप आंसर दे रहे हैं कि कन्फेशन कर रहे हैं? Well, the fact of the matter is, around 45% of patients who have work-related stress are likely to get diabetes. And अगर पक्का diabetes है आपको, तो उन लोगों में करीब करीब 17-20% लोगों में डिप्रेशन की बीमारी होने की शक्यता है। टेंशन है तो डायबिटीज बढ़ने की शक्यता है, और डायबिटीज है तो टेंशन और डिप्रेशन की बीमारी होने की शक्यता है। और अगर ये डिप्रेशन की बीमारी है और अगर डायबिटीज भी साथ साथ में है, और तो करीब करीब 30% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होने की शक्यता बढ़ जाती है। और अगर आपकी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, यानी कि टाइप 2 के बजाय टाइप 1 डायबिटीज है, देन द रिस्क इज एज हाई एज 53%। लेकिन हम इसके बारे में समझते नहीं है, इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं, करके ये प्रॉब्लम्स के कॉम्प्लिकेशन में हम फंस जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब टेंशन होता है तभी हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है, राइट? टेंशन क्या होता है? व्हाट इज टेंशन? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस महसूस किया आप लोगों ने? किया है? नहीं किया है? क्या होता है जब भी स्ट्रेस होता है? तभी सॉरी यस वो तो वजह है स्ट्रेस की, लेकिन जब भी टेंशन आता है तभी क्या लक्षण महसूस करते हैं आप? तभी क्या दिक्कतें होती हैं? रेस्टलेस महसूस करते हैं और बेचैनी, हेडेक होता है, अपसेट हो जाते हैं, स्वेटिंग होती है, वेरी गुड, चिड़चिड़ापन हो जाता है, बीपी बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वेरी गुड, गुस्सा आता है, यस, सॉरी, आप लोग ध्यान रखिए, ये सब आपके सिम्टम्स हैं, आपने कन्फेस कर लिया है, राइट? ज्यादा खा लेते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरी गलती नहीं है, वो तो टेंशन की गलती है कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। स्ट्रेस इज एक्चुअली अ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि ये एक नेचुरल रिएक्शन है हमारी। कोई भी प्रकार का तनाव हमारे शरीर पे या मन पे आता है, राइट? जैसे आपको मैं 5 लाख का चेक दे दूं, बोलूंगा ये मंडे मॉर्निंग तक नहीं डिपॉजिट हुआ तो बाउंस हो जाएगा। 5 लाख मिल रहे, अच्छी बात है ना, लेकिन आएगी नींद संडे रात को? नहीं आएगी। क्यों? टेंशन है, राइट? आपने मुझे 5 लाख देने हैं, मैं बोलूंगा मैं अगले संडे को आ रहा हूं घर पे लेने के लिए, तो एक हफ्ते नींद नहीं आएगी। आपको तो नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी कि अगले संडे घर पे होंगे कि नहीं होंगे, राइट? बट कोई अच्छी चीज हो तो भी स्ट्रेस होता है, कोई बुरी चीज हो तो भी स्ट्रेस होता है, बिकॉज स्ट्रेस इज अ मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी टू कोप अप। जब स्ट्रेस बढ़ता है तभी आपका शरीर तैयार हो जाता है, या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए, राइट? तब क्या होता है, आपकी पल्स बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, आपका शरीर आपकी खून के प्रवाह को बढ़ा देगा, मांसपेशियों की तरफ खून को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लड़ना है, राइट? या तो भागना है। उसी तरह से
आपके शरीर में ग्लूकोज सिक्रीट होने लग जाता है अपने स्टोर से, राइट? क्योंकि शरीर को अगर भागना है तो एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लूकोज से. सो दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन टू स्ट्रेस, राइट? क्योंकि चाहिए आपको, वो जरूरी है ना, भागना है, लड़ना है, कोप अप करना है कैसे भी करके. अब ये स्ट्रेस 5 मिनट का हो ठीक है, 2-5 घंटे ठीक है, 1-2 दिन ठीक है, एग्जाम होती है तो टेंशन आता है, राइट? पहली बार जब गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर देखने गए थे तो भी टेंशन आ रहा था, अच्छी बात थी तो भी टेंशन था, राइट? अगर ये लगातार रहे तो क्या होगा? आपका ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा. डॉक्टर गाड़गे बेचारे सर खुजा रहे हैं, क्या करूं इसका, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मेडिसिन चेंज कर ली, इंसुलिन दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज क्रॉनिक स्ट्रेस. साथ साथ में अगर स्ट्रेस है तो नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि मुझे 5 लाख मिल रहे हैं लेकिन नहीं होगा तो, मंडे को बैंक लेट खुला तो, अगर मंडे को चेक नहीं क्लियर हुआ तो, नेगेटिव ख्याल ज्यादा आने लग जाते हैं, राइट? कभी कभार स्ट्रेस होता है तो इंसान अपने स्वभाव के अनुसार कोप अप कर लेता है, लेकिन अगर लगातार स्ट्रेस रहे देन इट कैन बिकम वेरी स्ट्रेसफुल. इम्पेयरिंग साउंड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपकी समझ और आपकी डिसीजन लेने की काबिलियत पे भी असर होने लग जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस से. और उसके साथ साथ टेम्पटिंग कंपल्सिव पुअर ईटिंग, राइट? किसने बोला टेंशन होता है तो खाने को दिल करता है? कंफर्ट फूड चाहिए, राइट? सब अच्छी अच्छी चीजें चाहिए. अच्छी चीजें ज्यादातर सॉफ्ट और स्वीट होती है, प्रॉब्लम यही है सिर्फ, ओके? सो ये सब प्रॉब्लम्स है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रॉनिक स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ डिप्रेशन, बट क्रॉनिक स्ट्रेस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड इट कैन कॉम्प्लिकेट डायबिटीज फर्दर. सो स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ही जरूरी है. And that is the reason why Dr. Gadge had a session of Tai Chi, right? Because that is a very effective form of combating stress. Tai Chi ke saath saath dusre anek upay hain jo hum aapko batayenge. So, health issues hai, dawai leni padti hai. Wo uska tension hai, kyunki dawai ki cost zyada hai. Kuch mariz aate hain, 3-4 alag alag doctor ke paas ja rahe hain, din mein 25-30 goliyan hain, bolte hain bhook nahi lagti hai kyunki dawai se pet bhar jata hai hamara, right? But that's a practical problem. So, wo bhi ek tension ka karan hai. टेंशन के लिए दवाई देते हैं वो भी टेंशन का कारण है, राइट? जैसे मेरे एक मरीज ने कहा कि मेमोरी लॉस के लिए आया था मेरे पास, तो मैंने उसको गोलियां तो लिख दी, बोला कि डॉक्टर भूलने की बीमारी है, गोली खाना भूल गया, राइट? सो दैट इज अ प्रॉब्लम कि दवाई लेना वो भी एक टेंशन है, ना ले तो भी टेंशन है. साथ साथ में हेल्थ इश्यूज में कॉम्प्लिकेशंस हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, वो भी एक बड़ा टेंशन का कारण है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है. अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना है, पब्लिक हॉस्पिटल में जाना है तो और बड़ा टेंशन है, क्योंकि 4 घंटे तो लाइन में खड़ा रहना है, वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चला 2 बज गए, ओपीडी बंद, कल सुबह में आ जाना. तो ये सब दिक्कतें हैं क्योंकि हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी वेल सेटअप या गियर्ड अप नहीं है. आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए जहाँ इलाज आपको रीजनेबल कॉस्ट में होगा तो फर्श दिखती नहीं है, बिस्तर ही बिस्तर, पेशेंट ही पेशेंट है. सो देयर आर चैलेंजेस फॉर श्योर. द अदर प्रॉब्लम इज सब्सटेंस अब्यूज. अगर टेंशन है तो टेंशन से डील करने का सबसे आसान तरीका क्या है? कुछ व्यसन कर लो. सिगरेट पीता हूं थोड़ा अच्छा लगता है. कभी कभी बहुत टेंशन होता है तो सैटरडे संडे को दोस्तों के साथ बैठ के 1-2 ड्रिंक ले लेता हूं मैं, राइट? कोई हाँ तो नहीं बोल रहा है लेकिन मन में ही मन में सोच रहे हैं आज शाम को मिलना था, लेट हो रहा है. सो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम और ये डायबिटीज के लिए तो बुरा है ही है लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बुरा है, क्योंकि ये सब व्यसन से बीमारी ना तो सिर्फ बढ़ती है बल्कि पैदा भी होती है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज ये स्ट्रेस से लड़ने का तरीका है, ऐसा आप समझ के उसको आजमाने की कोशिश करते हैं और फिर ये खुद बीमारी का कारण बन जाता है. आई रिमेंबर आई हैड अ केस ऑफ अ स्कूल टीचर. वो अपने आप से नींद की गोलियां खाती थी. कभी ना कभी आपने भी 1-2 रेस्टिल खा ली, एंग्जिट खा ली, ट्राइका खा ली, राइट? क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है ना, कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने लिख दी है खा लो. डॉक्टर ने 25 साल पहले लिखी थी लेकिन आप अपने मन से खाए जा रहे हो, केमिस्ट के साथ जुगाड़ हो गया है आपका. तो व्यसन दवाइयों का भी होता है. तो ये जो स्कूल टीचर थी दिन में 60 टैबलेट्स खाती थी एटिवान नाम के गोली की, राइट? 60 टैबलेट्स. 60 टैबलेट्स आप खाने की कोशिश कीजिए, वो सुबह में ऐसा सीरियल खाते हैं ना वैसे बोल लेके बैठना पड़ेगा आपको, और उसके बावजूद भी उसको नींद नहीं आती थी.
60 टैबलेट्स ऑफ 2 मिलीग्राम इज 120 मिलीग्राम्स, वो दवाई का फेटल डोज 40 मिलीग्राम्स है. 40 मिलीग्राम्स की अगर मैं खा लूंगा तो गया. राम नाम. आप क्यों इतना एंथुजियास्टिक है मेरे राम नाम के लिए? बट उसको उसके बावजूद नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके शरीर को उसकी इतनी आदत हो गई थी कि अभी उसकी जरूरत बन गई थी वो. सो दवाइयों को लेना ये सिर्फ आपके लिए जान बचाने का एक माध्यम नहीं है. अगर आप अपने मन से डॉक्टर के निगरानी के बगैर दवाइयों का व्यसन करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो जानलेवर भी बन सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये एक ऐसा कारण है जो लोग समझते नहीं है इसके बारे में. दूसरा प्रॉब्लम है दवाइयों की जरूरत ना है तो खाना. दवाई खानी है तो टेंशन है, दवाई नहीं है तो भी टेंशन है. मेरी एक पेशेंट है, उसको बार बार ये आँख दुख रहा है, पीठ दुख रही है, सर दर्द कर रहा है. उसको दर्द होना हो, उसके हस्बैंड को पक्का सर दर्द है. तो दिन में 15-15, 20-20 कॉम्बिफ्लैम की गोली खाती है. और कॉम्बिफ्लैम की गोली ऐसी गोली है जो दर्द होता है तभी तो बहुत अच्छी लगती है, फिर आगे जाकर क्या करेगी आपके किडनीज पे वो आपको डॉक्टर गाड़गे मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे. एंड डायबिटीज़ है तो उनका काम तो दुगना तिगना हो गया. सो लोग गोली नहीं खानी है तो स्ट्रेस लेते हैं, और गोली ना दें तो भी स्ट्रेस होता है. क्योंकि कितने हमारे जितने भी मेडिकल कलीग्स हैं, अगर कोई डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले कि नहीं आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत रुठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं. बोलते हैं डॉक्टर को शायद समझ में नहीं आया होगा, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाइए. राइट, डेफिनेटली महसूस किया होगा. कम दवाई देते हैं तो मुसीबत है, क्योंकि बोलते हैं डॉक्टर को हमने 500-1000 रुपये दिए, उसने एक आधी गोली दी, 25 पैसे की गोली है, ऐसे कैसे होगा? तो 1000 रुपये लिए किस चीज़ के? Because they want a magical solution, and a magical solution is always an expensive solution, right? So ये भी एक mentality है, और ये stress का कारण बन सकता है. मजे की बात यह है कि आप अपने आप से दवाइयां खाएंगे, कॉम्बिफ्लाम खाएंगे, वड़ा पाव, समोसा, कचौरी खाएंगे, right? रस्ते की गंदी से गंदी पानी पूरी खाएंगे, और वो भी मजे से खाएंगे. अभी भी मुंह में पानी आ रहा है कुछ लोगों के, right? कोक पेप्सी पियेंगे, दारू भी पियेंगे, स्मोक करेंगे, तंबाकू तो ऐसे खा रहे हैं जैसे कि अपने खेत में उग के आया है. ये सब करेंगे. फल फ्रूट जिस पे पेस्टिसाइड्स है, केमिकल है डाले हुए हैं पकाने के लिए या तो उगाने के लिए, वो सब पेट भर के खा लेंगे, राइट? क्योंकि मैंगो की सीजन का पहला बास्केट हमारे घर पे आना चाहिए, चाहे वो केमिकल से लतपत क्यों ना हो. डॉक्टर ने क्या एक गोली लिखकर दे दी तो सबसे पहले प्रश्न क्या होता है आपका? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? व्हाट डू यू वांट अस टू डू? क्योंकि दवाई लेनी है, लेकिन अगर लेते हैं तो उसका स्ट्रेस है. यू हैव टू लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि आप दवाइयों पर भरोसा नहीं करते हो और डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं करते हो, जबकि आप वॉलंटरली उनके पास गए हैं, राइट? उन्होंने तो आपको फोर्स करके नहीं बुलाया है. तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट ना करना ये स्ट्रेस की वजह है. स्ट्रेस का उपाय तो आपको डॉक्टर दे ही रहे हैं, तो ये चीज़ को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है. मुंबई की भाग दौड़ एक क्लासिक एग्जाम्पल है. लाइफ थमती नहीं है, आप थमना चाहो तो आपको मौका भी नहीं मिलता है थमने का. और ये भाग दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई है अभी कि कहीं ना कहीं आपको अगर रुकना भी है तो मौका नहीं मिलता है. काम तो बहुत सारे हैं, एक साथ एक ही इंसान कई काम करता है. इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? मल्टीटास्किंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? राइट? समय कम है, जल्दी करो जल्दी करो. सुबह में 5 बजे उठना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, रात को सोने के पहले उनके टिफिन पैक करने हैं, उनकी किताबें रखनी है. हाफ ऑफ द पीपल सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम आर ऑल सुपर मॉम्स, राइट? मल्टीटास्किंग का इससे अच्छा उदाहरण तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि बच्चों को तो देखना पड़ता है, सबसे बड़े बच्चे को भी देखना पड़ता है, राइट? क्योंकि उसको ऑफिस जाने को लेट हो रहा है. ओके? तो ये काफी बड़ी चैलेंजेस है, और हम कभी कभार ही इतने स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उससे मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती है, उससे काफी टेंशन हो सकता है. एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हेल्थ चेकअप का एनुअल इवेंट रखा था उन्होंने, सबके टेस्टिंग हुए, डॉक्टर्स बुलाए गए. उसमें 2-3 ऐसे लोग मिले
जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, वजन नॉर्मल है, मेंटल बीमारी नहीं है, टेंशन नहीं है, खुश है, हंस रहे हैं, उनको तुरंत ऑफिस से निकाल दिया गया, क्योंकि साले काम ही नहीं करते होंगे, इतने कैसे हष्टपुष्ट है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मुंबई के शहर में नहीं, बट आजकल आप छोटे छोटे शहरों में भी जाइए तो वर्क कल्चर इतना डिफिकल्ट होते गया है। और मुंबई की मुसीबत थोड़ी अलग है, क्योंकि आप 8 घंटे भी काम करो तो भी आप दिन में 12-15 घंटे घर से बाहर रहते हो, क्योंकि 2 घंटे जाने, 2 घंटे आने में, और बाकी सब रोज़मर्रा के इश्यूज हैं। सो दीज आर ऑल कॉमन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, एंड लाइक आई सेड मदर्स हैव द लार्जेस्ट बर्डन बिकॉज उनको काफ़ी कुछ करना है। सोशल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हैं, राइट? सोशल प्रॉब्लम में सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा स्वभाव, हर एक इंसान अलग अलग स्वभाव का होता है, कुछ खुश मिजाज होते हैं, कुछ हमेशा गम में डूबे रहते हैं बीमारी ना होने के बावजूद, कुछ लोगों को नुक्स निकालना बहुत अच्छा लगता है, राइट? मेरा हस्बैंड ऐसा ही है, मेरी वाइफ कभी अच्छी नहीं होने वाली है, कंटाल गया हूँ मैं ये सबसे, राइट? लेकिन नुक्स निकालना ये सामने वाले के नुक्स पे नहीं डिपेंड करता है इतना जितना हम पे डिपेंड करता है कि हमें नुक्स निकालने का स्वभाव है। तो हमारे स्वभाव को समझना ज़रूरी है। कहते हैं कि नुक्स निकालते निकालते ये हम भूल जाते हैं कि अगर खुद को इतना तराशते ना तो कब का फरिश्ता बन गए होते हम। तो नुक्स निकालना बहुत आसान होता है, और नुक्स निकालने की जो आपकी आदत है वो आपका सबसे बड़ा नुक्स है, ये आप भूल जाते हैं। सो पर्सनैलिटी इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन स्ट्रेस। हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं इलाज के लिए, ज़्यादातर लोगों में हम देखते हैं कि उनके स्वभाव के वजह से उनको बीमारी हुई है, ना कि दूसरे कोई कारण से, क्योंकि उनका स्वभाव दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो द प्रॉब्लम इज विथ द पर्सनैलिटी इज क्लैशिंग विथ ईच अदर इन द फैमिली। उसके वजह से सिर्फ आपके फैमिली पर नहीं, आपकी पर्सनल हेल्थ पे, आपके काम पे, आपके करियर पे, आपके फैमिली मेंबर्स पे, सब पे उसका असर होता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आपके खुद के लिए आप वक्त नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं, सो यू हैव नो टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड दिस लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, इसको कैसे सॉल्व करें। सो डज द यूज ऑफ सोशल मीडिया कॉज हार्म टू यू, राइट? व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या आपको लगता है इससे आपके मानसिक हालत पे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे उसका असर हो सकता है? यू कैन गिव योर आंसर्स। कैन वी हैव द टाइमर प्लीज? गुड। कुछ लोगों को लगता है फिजिकल हेल्थ पे होगा, कुछ लोगों को लगता है मेंटल हेल्थ पे होगा, बट ज्यादातर लोगों को लगता है कि सभी वजह से हो सकता है, राइट? वेल, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सोशल मीडिया हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इज इट नॉट? राइट? ये लेक्चर के दौरान भी काफी लोग हैं जो अपना व्हाट्सएप चेक किए जा रहे हैं। हाँ, अभी सब सीधा आगे खड़े हैं, कोई नीचे नहीं देख रहा है, राइट? हमारे जमाने में फॉर्चुनेटली स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तभी ये मुसीबत थी नहीं। आजकल के बच्चों में आप देखेंगे तो होड़ लगी हुई है, किसके पास बेहतर फोन है, किसके पास ज्यादा फीचर्स है, राइट? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, और ये इतनी बड़ी मुसीबत बन गई है कि ये एक प्रकार की बीमारी हो गई है, राइट? सोशल यूटिलिटी, सोशल एप्स या सोशल मीडिया डिसऑर्डर इज अ क्लासिफाइड साइकियाट्रिक इलनेस नाउ। आपको आश्चर्य होगा, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। और इससे मुसीबत ये होती है कि हम बाकी की दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। फेसबुक पे मेरे 327 फ्रेंड है, लेकिन मेरे नेबर का नाम मुझे पता नहीं है, राइट? क्योंकि अगर मुझे किसी के साथ खेलना है तो कोई है ही नहीं, खेलना भी हो तो फिर मुझे ऑनलाइन गेमिंग के लिए जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है, और उसके वजह से हम दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। हमें ये चीज़ें समझ में ही आती है, लेकिन हमारी सोशल स्किल्स, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी काबिलियतें, जो सिंपल चीज़ें होती है, हमें किससे कैसे बात करनी है, किस तरह से किससे पेश आना है, ये सब सिंपल चीज़ें हम भूल जाते हैं। खैर, हम तो बड़े हो चुके हैं तो हमने जो सीखना था सीख लिया, लेकिन हमारे बच्चों पे इसका बहुत खराब असर होता है, और ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक टेंशन का एक कारण बन जाता है। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम बचपन में करते थे, खेलते थे, राइट? आजकल तो ऐसी गेम्स भी देखने मिलती नहीं है। क्रिकेट खेलते थे हम गलियों में,
कितने तो काश तोड़े होंगे, मेरे नेबर्स आज भी याद करते हैं मुझे, राइट. फुटबॉल खेलते थे, लगोरी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे. आजकल गिल्ली डंडा खेलना हो ना तो किनेक्ट के ऊपर खेलना पड़ता है ऑनलाइन, राइट. क्योंकि एक्चुअली जगह नहीं है खेलने के लिए, जगह हो तो कोई खेलने वाला नहीं है साथ में, राइट. कभी कभारी हमारे बुजुर्ग भी आ जाते थे खेलने के लिए, गार्डन में ले जाते थे, ग्राउंड में ले जाते थे. अब तो वो भी नहीं देखने मिलता है क्योंकि हम भी उतने बिजी है, हमारे बच्चे भी उतने बिजी है, हमारे शेड्यूल्स मैच नहीं करते हैं. तो ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये टेंशन का कारण बन जाता है. कभी कभार इनको देखकर लगता है कि काश हम लौट जाए वो बचपन के दिनों में, ना ना कोई ज़रूरत थी, ना कोई इंसान ज़रूरी था, जो भी मिलता था दोस्त बन जाता था. खेलने में कोई, खेलने में सिर्फ खेलने की इच्छा ज़रूरी थी, खेलने के कोई यंत्र ज़रूरी नहीं थे, खेलने के लिए कोई दोस्त ज़रूरी नहीं थे. फिर भी ढूंढने आते थे 10 बजे मम्मी पापा कि चलो अब तो घर चलो, कल सुबह में स्कूल जाना है. बट आज नहीं देखने मिलता है ये. तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ही कॉमन होते जा रही है. और इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए ठीक है, आपके बेटे बच्चे हैं, आपके पोते हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि उनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको अभी इतने स्वास्थ्य के प्रॉब्लम नहीं है, होंगे तब वो रियलाइज़ करेंगे शायद. आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में? क्या आप भी ये सोशल मीडिया के बीमारी के शिकार हैं? क्या आप भी ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं? क्या आप भी सोशल लोगों के साथ उठना बैठना आपका कम हो गया है या नहीं है? है, पक्का है. लास्ट कब मिले थे आप अपने सबसे अच्छे जिगरी दोस्त से? लास्ट कब था आपका स्कूल का रीयूनियन? आजकल स्कूल के रीयूनियन होते हैं तो अब्रॉड जाते हैं, सिंगापुर में या दुबई में होटल बुक करके चले जाते हैं, राइट. 25th रीयूनियन है, 50th रीयूनियन है, लेकिन उसमें भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं, नहीं कर सकते तो वो रह जाते हैं. सिंपल चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तभी इंसिडेंटली हमारे सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमको मिलना है. और कहाँ मिलना है? हमारे कॉलेज के कैंटीन में. आप सोचिए कैसा एहसास है वो. हमारे कॉलेज के कैंटीन में जहाँ आप जाओ तो शायद वो कैंटीन को पहचानना भी मुश्किल है, लेकिन मज़े की बात यह है कि तब का एक वेटर मिल गया हमको 25 साल के बाद. अरे साहब आपका आ गए, क्या बात है. कुछ बोलना नहीं पड़ा हमें क्या चाहिए था खाने के लिए, क्योंकि उसको अभी भी याद था हमारी फेवरेट चीज़ें क्या थी. सब तुरंत आने लग गई टेबल पर और वो एक जो एहसास था दैट वॉज अमेजिंग. एंड देन वी रियलाइज कि हम ये सब चीज़ों से इतने दूर होते जा रहे हैं और ये चीज़ें हैं जो हमें अभी भी हेल्दी रखती है, हमें अभी भी पॉजिटिव रखती है, हमें अभी भी टेंशन से दूर रखती है. क्योंकि रोज़ के टेंशन तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन ये सब सिंपल से मौके हैं. आप याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को, उसको दोबारा जीने की कोशिश कीजिए. नथिंग एल्स इज बेटर देन दैट. ये तो ये पिक्चर बहुत ज़रूरी है. आपने एक्सपीरियंस किया ये लाफ्टर क्लब, राइट. सबसे आसान तरीका है दोस्त बनाने का, राइट. मैं पागलों के जैसे हंस रहा हूं और मेरे साथ दूसरे 25 और पागल हैं, उसके जितना अच्छा एहसास नहीं है, क्योंकि ये दिन की शुरुआत ही अच्छी होती है. सो हर बार जरूरी नहीं है कि स्कूल का रीयूनियन होना चाहिए, हर बार जरूरी नहीं है कि पुराने दोस्तों को इकट्ठा करना चाहिए. कुछ दोस्त अलग अलग शहरों में निकल चुके हैं, कुछ दोस्त तो निकल ही चुके हैं, राइट. लेकिन फिर भी दोस्त बन जाते हैं. दोस्त बनाने के लिए हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, ऐसे जगह पे जाइए, ऐसे मौके ढूंढिए जहाँ पे दूसरे लोग भी आपके जैसे हैं जिनके दोस्त नहीं है या तो दूर हैं, एंड दोस्ती हो जाती है. सो द सोल्यूशन इज इन द प्रॉब्लम इट्सेल्फ. द अदर इश्यू इज डीलिंग विद रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज. इंडियंस आर वेरी बैड एट रिटायरिंग, राइट. मैं कल जो ये लेक्चर दे रहा था अभी मैंने एग्जाम्पल दिया. आज भी आप जाइए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, आपको 2-3 ऐसे डॉक्टर देखेंगे जो 90-95 ईयर्स के एज के हैं, व्हीलचेयर पे आते हैं, पेशेंट देखने के लिए राउंड लेते हैं, पीछे कोई धक्का मार रहा है, पता नहीं चलता कि पेशेंट कौन है और डॉक्टर कौन है. लेकिन उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, उनका जवाब क्या है पता है? हमें और कुछ करना आता ही नहीं है, घर पे बैठ के करेंगे क्या. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, राइट. Because we don't know how to retire, we don't know how to age well. हमारे पास कितने मरीज आते हैं, अंदर आते ही पता चल जाता है कि 2 महीने से depressed है,
ठीक है, आपकी एज 58 हुई ना 2 महीने पहले, या 60 गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, क्योंकि जिंदगी में दूसरा कुछ किया नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, राइट? उम्र के साथ साथ थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, आपके हाथ पैर थोड़े कमजोर हो जाएंगे, अकेलापन महसूस होगा, दोस्ती कम हो जाती है, दोस्तों को मिलना भी है तो जाने आने में दिक्कत हो जाती है, ट्रैवलिंग इज अ बिग इशू इन बॉम्बे, सो दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, इट्स अ बिग इशू, बट देर आर ऑलवेज वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद इट। ये बहुत जरूरी है कि आप रिटायर होने के पहले ही ऐसी हॉबीज डेवलप करना शुरू कर दे, ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, जो बाद में आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। और ये हमको सीखना जरूरी है, और ये हमें सीखने मिलेगा वेस्टर्न कल्चर से। आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो 45-50 की एज होती है ना, तो वो रिटायरमेंट की तैयारी चालू कर देते हैं, कोई ब्रिज खेलने जा रहा है, कोई गोल्फ खेलने जा रहा है, कोई टेनिस खेलना चालू कर देता है, कोई ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं, कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गोल्फ कोर्स कहाँ है यहाँ पे, तो खेलने का मैदान नहीं है, गोल्फ कोर्स कहाँ से लाएंगे, लेकिन सिंपल चीज़ें अभी भी है, राइट? आप जाइए आरे कॉलोनी में, सुबह में आपको लगेगा कि पूरी की पूरी सीनियर सिटीजन्स की हॉस्पिटल आ चुकी है वहाँ पे, सब लंगड़ी कर रहे हैं, सब धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी वो जोश और हौसला है, आते हैं वो। बारिश के सीजन में भी आपको दिखेंगे छतरी लेके चलते हैं लोग, तो है लोग ऐसे, हमें उनसे सीखना है, हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना है, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गुड, आपके आसपास के लोगों को आप इंस्पिरेशन दीजिए, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को। आपकी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद ख़त्म नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी एक्चुअली शुरू हो रही है, क्योंकि अभी आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं। सुबह में उठ के भागना है, 8:23 की लोकल पकड़नी है नहीं, ऑफिस में बॉस की गालियां खानी है नहीं, थके हारे घर पे आए हैं वहां पे बच्चों की बीवी की गालियां खानी है नहीं। यू कैन लर्न टू डू थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू, और ये ऐसा आपके लाइफ का फेज है जहां पे आपकी जिम्मेदारियां बहुत कम हो चुकी है, जिम्मेदारी का एहसास कम नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमने पोतों की जिम्मेदारी ले ली है, बच्चों को सेटल करने की जिम्मेदारी ले ली है, वो ऑफिस से लेट आता है तो उसको फटकारना है, बहू ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको सिखाना है, ये सब जिम्मेदारियां हमने ले ली है, बिकॉज हमसे वो कंट्रोल नहीं छूटता है, राइट? इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, राइट? ऑफिस में बॉस का कंट्रोल, घर में सास का कंट्रोल, बट वी कैन नॉट लेट गो, व्हाई? और कुछ आता नहीं है, बिकॉज अ मदर बिकम्स अ मदर इन लॉ एंड अ ग्रैंड मदर, बट शी नेवर बिकम्स एन इंडिविजुअल, शी डजंट बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट? क्योंकि उसके जिम्मेदारी के बोझ के तले वो घूम रही है, राइट? मेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग होती है, बॉस थे या बॉस के नीचे काम करते थे, अब सडनली खालीपना है तो आदत नहीं है कुछ करने की, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है। बट हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है इसके लिए, और ये आसान है, सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए। देर आर स्टिल थिंग्स यू कैन डू, राइट? आई हैड अ पेशेंट ऑफ माइन एट द एज ऑफ 48, शी सेड, डॉक्टर मैं तंग आ गई हूँ ये लाइफ से, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि बस मजा आ जाए। तो उससे बात करते करते हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, मैं जिंदगी से, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी मुझे ड्रम्स बजाना है। 48 ईयर के कोई लेडी को ड्रम बजाते देखा है आपने? नहीं। उसके हस्बैंड ने तुरंत मुझे आके बोला, डॉक्टर कुछ करो, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ना हो उसके लिए उसको ड्रम्स बजाने हैं, राइट? तो आपके तो पैसे भी बचेंगे और वक्त भी बचेगा, आपको तो खुश होना चाहिए, दवाइयों पर खर्चा कम होगा। एंड शी स्टार्टेड इट, शी वॉज द ओनली मेल फीमेल ड्रमर, 25 other students are all males, right? सब पहले तो आके देखते थे ये क्या अजूबा है, right? But she is so passionate about it, she is so happy about it. And ये एक simple example है आपके लिए भी, कि कोई भी इंसान कोई भी age में कुछ भी कर सकता है। There is a guy in Yugoslavia at the age of 95, he learned three new languages. तो उसको कोई reporter गया था अमेरिका से, उसको पूछा, आपका एक पैर तो कब्र में है, आपको अभी ये उम्र में 3 लैंग्वेज सीख के क्या करना है? लाइक बेटा आपका नाम क्या है? लाइक जॉन। मेरा नाम क्या है? लाइक मैं देख के बोलता हूं मैं। लाइक यही फर्क है आप में मुझ में।
मैं अभी भी अपने मस्तिष्क को ताज़ा रखता हूँ, मैं अपने आप को एक्टिव रखता हूँ। आप 5 साल के बाद आओगे ना, मैं आपका नाम आपको फिर भी बता पाऊँगा। आप मुझसे एक तीसरे उम्र के हो, 30 ईयर्स के हो आप, और मैं 95 का हूँ, लेकिन आप मुझे मिलने आए हो अमेरिका से और आप मेरा नाम भूल गए यहाँ आने के पहले। फ़र्क यही है। सो यू हैव टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, यू हैव टू एक्सरसाइज योर बॉडी, राइट। हमारे पहले जो आए थे बहुत अच्छा बोल गए कि आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है और आपका हक भी है, राइट। इसको प्रिजर्व करना आपकी जिम्मेदारी है, इसको डॉक्टर या हम जैसे लोग नहीं हेल्प कर पाएंगे अगर आप कुछ ना करना चाहो उसके बारे में। द अदर प्रॉब्लम इज लोनलीनेस और बिरीवमेंट। साथ में तो नहीं आए थे हस्बैंड वाइफ और ना साथ में जाएंगे, अब ये वास्तविकता है। लेकिन ये ऐसा टाबू सब्जेक्ट है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, और इसके बारे में बात करो तो सबसे पहले तो सर फेर लेते हैं कि भैया ऐसी बात मत करो, ऐसी अशुभ बातें नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन ये वास्तविकता है और उसके साथ किस तरह से डील किया जाए इसको समझना ज़रूरी है। जो इसके पहले मैंने आपसे बताया कि रिटायरमेंट के लिए आपको तैयारी करनी है, राइट, उसी तरह से ये भी एक प्रकार की रिटायरमेंट है ना, मैरिड लाइफ से रिटायरमेंट है, तो ये वास्तविकता है। लेकिन ये दुख की बात नहीं है। हमें जो साल और गुजारने थे और नहीं मिले उसके बारे में सोचने के बजाय, जितने साथ में थे, जितनी अच्छी मेमोरीज बनाई हमने, उसके बारे में सोचना है। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू एनीथिंग नेगेटिव, राइट। सो यू हैव टू चेरिश द मेमोरीज यू हैव फॉर्म टुगेदर, राइट। क्योंकि इतना ये मत सोचिए कि और 5 साल मिल जाते तो क्या होता। 5 साल और मिलते उसके दुख में अगले 10 साल गुजार देते हैं हम, जबकि आपको 75 साल साथ में, 45 साल साथ में मिले, उसका क्या। तो डोंट लुक एट व्हाट यू डोंट हैव। ग्लास या तो आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। 80 साल की आयु है अगर आपकी और 70 साल तक आप अगर साथ में थे तो ग्लास आधा भरा है कि करीब करीब पूरा ही भरा था, थोड़ा ही बाकी था, उतना तो बनता है ना, राइट। सो दैट इज द एटीट्यूड दैट वी नीड टू हैव। एंड अगर उसके बावजूद भी, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि कोई भी एक मैरिड कपल में से कोई भी एक व्यक्ति के गुजर जाने से डेफिनेटली कुछ लोगों को दिक्कतें आती है और वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। वो उम्र में वैसी परिस्थिति में मानसिक तनाव, डिप्रेशन की बीमारी आने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। देन यू शुड आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए मदद मांगने से, क्योंकि उसका उपाय है। मानसिक बीमारियां, क्या आपको लगता है मानसिक बीमारियां कॉमन है या नहीं है? कितनी कॉमन है? चलिए पूछते हैं आपसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि पूरे समाज में करीब करीब कितने प्रतिशत लोगों को मानसिक बीमारी होने की शक्यता है? 2 से 3%, 5 से 10, 15 से 25, 40 से 50 या 75 से 80%? यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स। काफी कॉमन है मानसिक बीमारियां, राइट। आप नहीं मानते तो भी आपके आसपास बैठे लोग तो मानते ही हैं पक्का। बहुत ही कॉमन है मानसिक बीमारियां। करीब करीब 15 से 25% लोगों को मानसिक बीमारी होती है, यानी कि अगर आपके आसपास के बैठे 3 लोग नॉर्मल है तो आपको अपने अंदर जाँचने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मानसिक बीमारियां शुरू जब होती है तभी काफ़ी माइल्ड होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपको उससे डे टू डे लाइफ में अड़चने आए। अड़चन आती भी है तो आप कैसे भी करके मैनेज कर लेते हो। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि जब ये बीमारी माइल्ड होती है तभी कोई मदद लेने की कोशिश नहीं करता है। वो इंतज़ार करेंगे जब तक के प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, जब तक के आपकी काम करने की क्षमता कम ना हो जाए, आपके स्वभाव में, आपके पारिवारिक लाइफ में उससे असर ना होने लग जाए। और फिर जब बीमारी इतने हद तक बढ़ जाती है कि कोई चारा नहीं होता है, तब जाके वो डॉक्टरों को मिलना शुरू करते हैं। डॉक्टरों को, मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट को नहीं। ज़्यादातर पहले तो जाएंगे फैमिली डॉक्टर के पास, फिर सर दर्द कर रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास, छाती में दर्द कर रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हम तक पहुँचते पहुँचते तो इतनी बड़ी फाइल हो जाती है सबकी, राइट। फिर बोलते हैं डॉक्टर अब तो थक गए हैं, अभी आप कुछ कर सकते हो तो करो, राइट। और मज़े की बात यह है कि फिर भी उनके परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं। पागल हो गए हो क्या, पागलों के डॉक्टर के पास जाना है? किस प्रकार का प्रश्न है ये, राइट। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी मानसिक बीमारियों
के बारे में और मानसिक बीमारी के इलाज के बारे में जितनी समझ है उससे गैर समझ ज़्यादा है, जितनी जानकारी है उससे गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक ये दवाइयों से या दूसरे किस्म के प्रकार से आप उसका इलाज नहीं करोगे, ये बीमारियाँ जाने वाली नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड यहाँ तक के काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इवेंचुअली बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है आपकी नींद, स्लीप। तो आपको क्या लगता है कितने घंटे की नींद ज़रूरी होती है कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए, हेल्दी रहने के लिए, राइट? 2 से 3 घंटे, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 या 10 से 12? यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स। 8 से 9 घंटे, ओके। कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो 10-12 घंटा सोना चाहते हैं, वेरी नाइस, ठीक है। एक हाथ बंदा तो 2-3 घंटे में मैनेज कर लेता है यार, वाओ, ओके। वेल, वास्तविकता यह है कि कोई भी इंसान को नॉर्मली कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारी नींद की ज़रूरत कम हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो करीब करीब 20-22 घंटे सोता है दिन में, राइट? सिर्फ दूध पीने के लिए बच्चा उठता है, या तो जब भी पॉटी कर ली है और अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तभी उठता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है और हम दूसरे बचपन की तरफ अपना प्रयास शुरू करते हैं, तभी हमारी नींद धीरे धीरे करके कम होने लग जाती है। लेकिन 6 से 7 घंटे नींद होना अत्यंत ज़रूरी है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो या तो ये मानसिक बीमारी आने का लक्षण है या मानसिक बीमारी आने का कारण है, राइट? तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोगों में थोड़े वेरिएशंस होते हैं, देयर आर शॉर्ट स्लीपर्स एंड लॉन्ग स्लीपर्स। ऐसे काफ़ी हमारे पेशेंट्स हैं जो उनका पूरा परिवार काफ़ी सालों से 4 से 5 घंटे की नींद में ही मैनेज कर लेते हैं। सुबह में 3 बजे उठ जाते हैं, तब तक तो मेरा दूध वाला भी नहीं उठता होगा, लेकिन वो तैयार हो जाते हैं 4-4:30 बजे, तो सब नहा धो के पूरा घर रेडी, राइट? क्योंकि सालों से उनमें वो प्रथा है। और कुछ लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10 से 12 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, वरना वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये वेरिएशंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हेल्दी लोगों में और हेल्दी रहने के लिए 6 से 7 घंटा नींद आना ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहीं भी सो लेते हैं, नींद आ जाती है, राइट? पॉसिबल हो तो बांद्रा के एरिया में ऐसे बाहर मत सोइएगा। डिप्रेशन की बीमारी, इसके बारे में बहुत बातें तो होती है लेकिन जानकारी बहुत कम है। क्या लगता है आपको कितने प्रतिशत लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है? पूरे पूरे पॉपुलेशन में, आपके पूरे जीवन काल में कितने प्रतिशत लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होने की शक्यता है? 2 से 5%, 10 से 15, 25 से 30, 40 से 50 या 70 से 80? आपका समय शुरू होता है, इतने सारे लोगों को होता है लेकिन मेरे पास तो आते नहीं है, वो जाते कहाँ हैं? ओके, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज करीब करीब 10 से 15% लोगों में अपने आयु काल में कभी भी डिप्रेशन की बीमारी होने की शक्यता है, 10 से 15% पूरे पॉपुलेशन में। तो समझो यहाँ पे अगर 100 लोग हैं या 200 लोग हैं, तो उसमें से कम 30 से 40 लोगों को डिप्रेशन की बीमारी या तो हुई होगी या तो होने वाली है। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, हम उसको ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, हम उसके साथ कोई डील नहीं करना चाहते हैं, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। मुखौटा पहने रखना है हमें, मुझे डिप्रेशन नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो घर का टेंशन है, वो तो लोन है, वो तो थोड़ी सी घर की इश्यू है या काम के जगह पे कोई प्रॉब्लम है। वी वॉन्ट टू प्रिटेंड एज इफ एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन प्रिटेंड करने से प्रॉब्लम तो चली नहीं जाएगी, राइट? बिस्तर में लेटना अलग बात है और नींद आना दूसरी बात है। आजकल प्रॉब्लम यह है कि करीब करीब घर पे आने के बाद, घर से जाने तक लोग बिस्तर में ही होते हैं, राइट? खाना बिस्तर में होता है, पढ़ना लिखना बिस्तर में होता है। द बेड शुड एक्चुअली बी यूज्ड ओनली फॉर स्लीप एंड सेक्स, नथिंग एल्स, राइट? ये दो चीज छोड़ के सब होता है बेड पे आजकल, क्योंकि बंदा तो बाहर सोफे पे टीवी देखते देखते ही इस नींद में आ गया, बेड पे जाते नहीं है।
So the quality of sleep and the depth of sleep is more important than the number of hours of sleep, right? कुछ लोग मुझे बोलते हैं डॉक्टर मैं रात को सिर्फ 3-4 घंटे सोती हूँ लेकिन दोपहर में भी 2 घंटे सो लेती हूँ फिर शाम को वक्त मिला तो 1-2 घंटा सो लेती हूँ तो टोटली तो 8-10 घंटा हो जाती है नो दैट्स नॉट गुड इनफ यू नीड 6-7 आवर्स ऑफ स्लीप इन द नाइट इनफैक्ट दोपहर में तो सोना नहीं चाहिए बॉम्बे में अलाउड नहीं है दोपहर को सोना पता है ना आपको तो दोपहर में सोना अच्छी बात नहीं है अगर फिर भी आपको जरूरत हो तो आपने 15-20 मिनट आधा घंटा पावर नैप ले लिया राइट ये पावर नैप शब्द कहां से आया पता है आपको उसकी तो बहुत अच्छी स्टोरी है नहीं पता आपको नैप वर्ड कहां से आया है नैप वर्ड हैज कम फ्रॉम नेपोलियन नेपोलियन की स्टोरी पता है ही कॉन्कर्ड हाफ द वर्ल्ड बट ही वॉज ऑलवेज ऑन द रोड हमेशा बाहर था कूच के लिए आज ये कंट्री के ऊपर जंग छेड़ दी आज उधर जाके जीत लिया एंड ही डिड नॉट हैव टाइम टू स्लीप तो वो घोड़े पे सोता था आपने कभी कोशिश की है घोड़े पे सोने की थोड़ा डिफिकल्ट है घोड़ा नहीं मिलता आजकल कुर्सी पे बैठे बैठे सोने की कोशिश कीजिए कितने टाइम तक सो पाएंगे 10-15-20 मिनट राइट दैट्स ऑल यू नीड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पावर नैप नैप फ्रॉम नेपोलियन बट नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट दिस उतनी ही जरूरत है क्योंकि नेपोलियन 20 मिनट के लिए सोता था फिर भी दुनिया तो जीत ली उसने तो कुछ तो ठीक किया होगा राइट 15-20 मिनट्स इज इनफ फॉर यू टू स्लीप इन द आफ्टरनून एनीथिंग बियॉन्ड दैट मजे ले रहे हो आप जरूरत नहीं है तो बट जब भी आप 2-3 घंटा सोएंगे दोपहर में आपका सेकेंड हाफ जो है उठने के बाद आधा दिन सुस्ती में ही जाता है राइट इमेजिन ज्यादा सोने से सुस्ती हो रही है आपको कम सोने से नहीं तो वो भी एक मुसीबत है बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब सोने की शुरुआत करते हैं तो पहले 3-4 घंटे आप लाइट फेज ऑफ स्लीप में होते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 बोलते हैं जो और स्टेज 3 और स्टेज 4 जो सबसे अच्छी नींद है सबसे डीप स्लीप है जिससे आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है हाँ अच्छी नींद आई नींद आने का संतोष जो मिलता है वो होता है 4th, 5th and 6th आर में राइट अब प्रॉब्लम यह है कि हम सोते लेट हैं उठते जल्दी हैं तो वो डीप स्लीप तक तो हम पहुंचते ही नहीं है पहुंचे तो भी अलार्म बजने लग जाता है आजकल तो 2-2, 3-3 मोबाइल रखते हैं लोग अलार्म लगाने के लिए राइट और कोई नहीं हुआ तो दूध वाला तो आ ही जाता है ओके तो दिस इज द क्राइटेरिया राइट सो द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 6-7 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस गुड स्लीप इन द नाइट नॉट इन इंस्टॉलमेंट्स राइट उसमें यह बाय नहीं चलता दूसरी इश्यू है डिप्रेशन की बीमारी में कि ये दिस अकर्स ट्वाइस एज कॉमनली इन फीमेल्स महिलाओं को ये होने की शक्यता दुगनी है पुरुषों के कंपैरिजन में क्योंकि इसके भी अनेक कारण हैं महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऐसा नहीं है कि महिलाएं डिप्रेस रहना पसंद करती है या उनके स्वभाव से होता है ये हार्मोनल है राइट बिकॉज पहले पीरियड्स आना शुरू होता है तभी वो 12-13 साल की उम्र में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं जो करीब करीब 16-17-18 साल की उम्र तक चलते हैं फिर प्रेगनेंसी के इश्यूज हैं तो उसके वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं कुछ लोगों में उससे बीमारियां हो सकती है जिसको प्री मेंस्ट्रुअल इलनेस कहते हैं डिसऑर्डर कहते हैं यानी कि पीरियड आने के 2-3 दिन 4 दिन पहले घर के सब लोग सतर्क हो जाते हैं कि बाबा छेड़ना नहीं है राइट क्योंकि सबको पता है कि ये डेंजरस पीरियड है और वो महिलाओं के कंट्रोल में नहीं है इट इज अ हार्मोनल चेंज राइट सो यू जस्ट हैव टू गिव देम स्पेस ओके एंड देन ऑफकोर्स मेनोपॉज जब पीरियड्स आना बंद होते हैं तो वो एक काफ़ी टर्बुलेंट और डिस्टर्बिंग फेज होता है महिलाओं के लाइफ में सो ये सब कारणों से महिलाओं में ये डिप्रेशन की बीमारी की शक्यता बहुत ज़्यादा है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है जो लोग समझ नहीं पाते हैं दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद होने वाली डिप्रेशन की बीमारी ये करीब करीब 50% लोगों में माइल्ड फॉर्म में होती है 50% यानी कि हर 2 महिलाओं में से एक को डिप्रेशन के कुछ लक्षण होंगे डिलीवरी के बाद और 25% लोगों में तो ये पक्का होती ही होती है लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि नहीं नहीं होता है वो हमको भी होता था सास कहेगी माँ कहेगी हमको भी होता था भाई आपको भी डिप्रेशन था लेकिन आपने जाना नहीं तो हमें क्यों नहीं आप रोक रहे हैं तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है ये काफ़ी कॉमन है इनफैक्ट सबको डिप्रेशन के पैम्फलेट्स दिए गए हैं राइट देयर आर सम पैम्फलेट्स केप्ट आउटसाइड तो डिप्रेशन क्या है उसमें क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है सीखिए इसके बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका इलाज ना हो
तो उसका सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? सुसाइड. इट्स अ वेरी वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन. क्या लगता है आपको कितना कॉमन है सुसाइड? नहीं नहीं, हमारे फैमिली में नहीं होता है, वो दूसरों के साथ होता होगा, राइट? इट्स वेरी कॉमन. डिप्रेशन की बीमारी के करीब करीब 50% लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आते हैं, राइट? और करीब करीब 25% लोग या तो प्लान करेंगे या तो कोशिश करेंगे, और 10-15% लोग शायद सक्सेसफुल होंगे. लेकिन हम सुसाइड के बारे में कभी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. और सबसे ट्रेजेडी की बात यह है कि जितने भी लोग सक्सेसफुली सुसाइड करते हैं, जो अपनी जान ले लेते हैं, उसमें से 90% लोगों ने उसके बारे में अपने स्वजनों को, डॉक्टरों को, फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, बॉस को, एम्प्लॉयज को, ड्राइवर को, काम वाली को, किसी न किसी को उन्होंने क्लियरली बताया कि मुझे मर जाना है, जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है. हम क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है. सोचो सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, माँ बाप के बारे में सोचो. भाई उनके वजह से हो रहा है, उनके बारे में सोचेंगे तो और डिप्रेशन आएगा. बट वी इग्नोर इट, क्योंकि वो दूसरों के साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता है. 90% ऑफ सुइसाइड्स इन आर कंट्री गो अनरिपोर्टेड, राइट? 90% सुइसाइड के जितने भी केसेस हैं कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं. लेकिन आप ध्यान से देखें, आसपास में न्यूज़पेपर में पढ़े, माँ बच्चे को लेके कुएं में कूद गई, 17 माले के बिल्डिंग से छलांग लगा दी, ट्रेन के सामने कोई कूद गया. आपको आश्चर्य होगा, ट्रेन के जितने एक्सीडेंट्स होते हैं मुंबई के पटरियों पर, उसमें से करीब करीब 10-15% सुइसाइड है. लेकिन इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि ये टैबू सब्जेक्ट्स है, राइट? ये डिप्रेसिंग बातें मत करो डॉक्टर, आप हमसे डिप्रेसिंग बातें नहीं है, डिप्रेशन की बातें हैं. इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और हमने मिलकर करना है, क्योंकि ये सब लोगों को बचाया जा सकता है. एवरी पर्सन हु हैज डाइड हैज इंडिकेटेड टू यू दैट ही वांट्स टू डाई. वी कुड हैव सेव्ड देम. हर महीने कितने ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जिनकी जान बचती है क्योंकि उनको वक्त पे इलाज मिला. बट फॉर एवरी वन केस आई ट्रीट and we are able to save them, we lose 3. But nobody wants to talk about this. Suicide कोई भी उम्र में हो सकता है. ज्यादातर suicide के केस आप देखेंगे तो 25 से 50 के बीच में होते हैं. लेकिन my youngest case of attempted suicide, क्या उम्र होगी? Guess करेंगे? मेरा छोटे से छोटा उम्र का patient कितने साल का था जब ही उसने suicide की कोशिश की थी? 10, 12. My youngest patient who tried to kill himself by hanging from the fan was 8 years of age. 8 years. You won the contest, man, but he did not. 8 years. आपके बच्चे हैं? 8 साल के थे ना कभी ना कभी, अभी नहीं है तो. इमेजिन कर सकते हैं आप? दिल दहल जाता है. बच्चे को खरोच भी आती है ना तो रोने आ जाता है हमें. इमेजिन. और क्यों पता है? बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड. वाई? बिकॉज ही वॉज बुलीड एट स्कूल एंड मार्क्स नहीं आ रहे थे तो घर में उसको डांट फटकार मिलती थी. उसको एक्चुअली रूम बंद करके उसने पंखे से लटकने की कोशिश की, राइट? और नसीब ऐसा था कि उसके काम वाले लोगों ने थोड़ा तो कुछ अजीब देखा तो धक्का मार के दरवाजा कैसे भी खोल के अंदर चले गए, उसको उतारा और तुरंत ही उसके डॉक्टर को बुलवाया, फैमिली डॉक्टर को. शाम को ही कैसे भी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक पे ले आए. और उसने क्या बताया होगा मुझे? डॉक्टर, ये तो मेरी 3री अटेम्प्ट थी. पहले 2-3 बार तो पंखे से मैं रस्सी नहीं बांध पाया, मेरी हाइट थोड़ी कम है ना. माय ओल्डेस्ट पेशेंट ऑफ सुइसाइडल अटेम्प्ट. मेरे पास अटेम्प्ट के लोग आते हैं क्योंकि सक्सेसफुल हुए तो नहीं पहुंच पाते ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वरना उनको भी बचा लेते हम. माय ओल्डेस्ट पेशेंट ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट वाज 83, राइट? इतना घुटनों में दर्द होता है कि स्टूल पे चढ़ नहीं पाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं.
सबसे ज्यादा कॉमन तरीका क्या होता है ओल्ड पेशेंट्स में सुसाइड करने का? यस, वन ऑफ देम इज जंपिंग, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, यस, जो जो इलाज की गोलियां है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, पेट के दर्द की बीमारी, कमर के दर्द की बीमारी, वो ही खा लेते हैं एक साथ, लेकिन हॉस्पिटल में जाते नहीं है, या तो हॉस्पिटल में जाते हैं और कुछ और ही बहाना बना देते हैं। आश्चर्य होता है ना, डॉक्टर वो मैं एक्चुअली माउथ वॉश समझ के कीड़े मारने की दवाई पी गया, मैं तो कूल्हा करने गया था। लाइक भाई, कूल्हा करके आदमी थूकता है ना, निगलता है कभी? बट वी डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम, सो दैट इज अ ट्रेजेडी। सुसाइड कैन अकर एट ऑल एजेस, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड, राइट? बिकॉज उन्होंने होप छोड़ दी है, उनको लगता है अब जिंदगी में कुछ रखा नहीं है। होपलेसनेस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम एंड द कॉज ऑफ सुइसाइड, कंप्लीटली होपलेस कि मेरा अब कुछ नहीं होगा, अभी जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, एंड दैट इज सम सिम्टम विच यू मस्ट ऑलवेज लुक आउट फॉर। अगर आपने होप छोड़ दी है, देन यू मस्ट लुक आउट फॉर सुइसाइड। हमारे हम पेशेंट्स को हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि डोंट गिव अप होप, राइट? होता है, there are problems which we face, we can all work on it together and we can definitely try and come about it. Kisi ne khub kaha hai na, acha ke waqt zara ajab se pesha, waqt zara adab se pesha, waqt nahi lagta hai waqt badalne mein. So you must always give them hope, because there is a one thing that they are missing, and agar wo mil jaye then there is nothing to do about it. To karan to bahut sare hain, lekin aapko hum thode thode nukse ऐसे बताएंगे, सॉल्यूशंस बताएंगे। सो ये कौन सी टेक्निक्स है जिसमें आपको शायद मानसिक बीमारी से या टेंशन से या प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत मिल सकती है? सरेंडर, एक्सेप्टेंस, माइंडफुलनेस, रेजिलियंस, और ऑल ऑफ द अबाव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सेप्टेंस, सम पीपल सरेंडर, माइंडफुलनेस, वेरी गुड, बट काफी लोग समझते हैं कि सभी के सभी उपाय हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या है, राइट? So, I'll explain to you. Surrender. Surrender क्या होता है? What is surrender? समर्पण, आत्मसमर्पण, right? बहुत कठिन है ना? क्योंकि आपको अपने आप को सबमिट कर देना है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? आपने सब ने वो एक्सपीरियंस किया है यहां पे। आपने डॉक्टर गाड़गे को सरेंडर किया ना? डॉक्टर ठीक है, आप जो बोलो करेंगे। सरेंडर किया था, पक्का किया था कि बोलने के लिए? वॉज इट सरेंडर और टोटल सरेंडर? सरेंडर इज कंडीशनल, मैं नहीं करूंगा लेकिन, आप जो बोलेंगे हम करेंगे लेकिन। अभी बेटे की शादी थी, डॉक्टर बनता है ना, 31st इवनिंग था डॉक्टर, 31st दिसंबर को तो बनता है ना, right? We don't surrender completely, and the moment you surrender is the time that you feel completely at ease, relaxed, right? Because ladne ki zarurat nahi hai, hum hamesha ladte hain, khud se ladte hain, dusron se ladte hain, khatam nahi hoti hai hamari ladne ki jaddojahd, and that is the reason why we struggle. The moment you surrender, aap koshish kijiyega, ye sirf shabd nahi hai, ye ek ehsaas hai, right? Aap itna relaxed feel karenge. आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। लोगों को डूबते हुए देखा है ना आपने, सुना होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, राइट? क्यों डूबता है इंसान? अगर डूब जाए, मर जाए तो क्या होता है? फ्लोट्स। व्हाई? यस, आप कुछ भी ना करो तो आप नहीं डूब सकते। इंसान क्यों डूबता है पता है? पानी के अंदर चले जाने से नहीं डूबता है, वो पानी पी लेता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। सो द ड्राउनिंग इज नॉट इन द वॉटर, इट इज बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड वॉटर। ये लोग समझते नहीं है, राइट? जिंदा इंसान डूब जाते हैं और मुर्दा इंसान तैर लेते हैं, क्योंकि मुर्दा फाइट नहीं करता है, क्या करता है? छोड़ दिया उसने अपने आप को। एंड इफ यू लीव योरसेल्फ, इफ यू कम टू सिचुएशन वेयर अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है, क्या करूं मैं, जितना ज्यादा कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप पानी पिए जा रहे हो,
अंदर से ही सफोकेट हो रहे हो, क्या करना चाहिए आपने? छोड़ दो अपने आप को, सरेंडर कर दीजिए, एंड इट वर्क्स. इतना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, क्योंकि दैट इज द बेस्ट फीलिंग एवर. द मोमेंट यू रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर प्रेशर्स, द मोमेंट यू से ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर फ्री. द अदर प्रॉब्लम इज वी डोंट एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करो, राइट? हर एक चीज में कंडीशन होती है हमारी. मैं एक्सेप्ट तो कर लूंगा, लेकिन मैं फिर भी उससे अग्री नहीं करता हूं. आप बोलते हैं तो मैं करता हूं. तो एक्सेप्टेंस है कि बार्गेनिंग है? नहीं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इज समथिंग वेयर यू जस्ट से ओके, आई डू इट, आई अग्री विथ यू. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है घर में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, राइट? डॉक्टर मैं सब मानता हूं, लेकिन वो ऐसा करती है. ये डॉक्टर वो कितने साल से बोलती हूँ, सुधरते ही नहीं है. अभी भी टॉवल वहीं पे पड़ा होता है रोज नहाने के बाद. अभी भी कमीज सब नीचे पड़ी हुई है. अभी भी आधे दिन वो घर पे अपना मोबाइल भूल जाते हैं, मुझे नीचे जाना पड़ता है गेट के पास देने के लिए. डॉक्टर इतने साल से बोल रहा हूं, लेकिन अभी भी वो आधी रोटियां जली हुई होती है, नमक भूल जाती है डालना. ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है, राइट? लेकिन हम 40 साल से वही, अगर हम एक दूसरे के साथ जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो आप मान लीजिए ना कि आपको टॉवेल नीचे से ही उठाना है. कभी आपको नहीं मिलेगा कुर्सी पे वो. छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट? किया, कर लिया, क्या बात है. एक्सेप्ट करना इज अ चॉइस, राइट? एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं वो मेरी चॉइस है. नहीं करूंगी मैं, क्यों करूं मैं? दैट्स अ रिएक्शन, राइट? आपको रिएक्ट करना है कि आपको एक्ट करना है? वन इज अ पॉजिटिव स्टेप, वन इज अ नेगेटिव रिएक्शन, राइट? सबसे ज्यादा ज्ञान किस चीज से पता है मिलेगा आपको? आसपास में बहुत छोटी छोटी रिमाइंडर्स है हमारी, राइट? मेरे कपल्स थेरेपी के जितने भी पेशेंट आते हैं ना, उनको मैं ये चीज पक्का बताता हूं कि आपके सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कुरकुरे. आश्चर्य लग रहा है ना कि डॉक्टर भी पाके थोड़ा. कुरकुरे का पंचलाइन क्या है मालूम है आपको? यस, टेढ़ा है पर मेरा है. आपके आसपास में जो भी आपके हस्बैंड वाइफ बैठे ना, उनका हाथ पकड़िए, पकड़िए, पकड़िए अपने ही हस्बैंड वाइफ का. कोशिश कीजिए, ट्राई करिए, राइट? और बोलिए, क्या बोलेंगे? This is the level of acceptance you need if you want to survive a good marriage and if you want to survive a bad marriage also, right? Because there is no good marriage and no bad marriage, right? It's just a frame of mind. It's either a good understanding or bad understanding. It's a good attitude or bad attitude. And good attitude ki sabse achhi nishani kya hai? Teda hai par मेरा है. तो आज सब कुरकुरे का पैकेट खरीद के जाइएगा पक्का, राइट? बिकॉज लाइफ की छोटी छोटी चीजें हमें सिखा जाती है. ये सब बड़ी फिलॉसफी, बड़े ज्ञान, अच्छी किताबें पढ़िए, प्रवचन जाकर सुनिए, ये सब अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन क्या आप अपने लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं. जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे आसपास में है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं. Does it affect my today and tomorrow? क्या उससे मुझे आज फर्क पड़ता है? हो गया ना, हो गया. लास्ट महीने हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन ऐसे कैसे भूल जाऊं? कितने बार हुआ है डॉक्टर? मैं आपको बताती हूं, देखो 1972 में पहली बार हुआ था ये, राइट? उसके बाद 75 में रिपीट हुआ, फिर तो हर 6-6 महीने में हो रहा है. देखो अभी 3-4 साल से कम हुआ था तो वापस चालू कर दिया उन्होंने. How can I let him go? How can I let her be? Right? We don't want to realize के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, right? ठीक है, गए महीने में झगड़ा हुआ था ना, गए महीने में टॉवल फिर भी नीचे फेंक दिया, आज क्या फर्क पड़ता है उससे? We don't want to let go of our past. हम पकड़े हुए हैं उसको, उसके वजह से ही हम सफर करते हैं. जबकि मजे की बात तो यह है कि you are not giving up the fight, you are not losing the fight, you are letting go. ठीक है भाई, चलो. क्या कर रहे हैं आप? एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? वी डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव, वी डोंट वॉन्ट टू
let them go. ऐसे कैसे? इतना hurt किया है मुझे, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? जिसने hurt किया है उसको तो कोई अंदाज भी नहीं है, वो तो घूम रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं. बुरा किसको लग रहा है? आपको? क्यों? कौन बुरा लगा रहा है आपको? आप खुद. क्योंकि जो आपकी वजह है वो इंसान नहीं है, वो विचार है, आपकी जिद है. राइट? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इट डजंट मैटर एट ऑल. इट्स नॉट अबाउट डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग. क्या आपको आगे जाना है नई जिंदगी की तरफ, क्या आपको पीछे के जिंदगी में लटके हुए रहना है? आप जब गाड़ी चलाते हैं तो विंडशील्ड में देख के गाड़ी चलाते हैं कि रेव्यू मिरर देख के गाड़ी चलाते हैं? एग्जैक्टली. रेव्यू मिरर इतना छोटा है, विंडशील्ड इतना बड़ा है. थोड़ा आगे ध्यान दीजिए ना, नहीं तो टक्कर तो होनी ही होनी है. फॉरगिव एंड फॉरगेट. फॉरगिव करते हैं लोग या तो बोलते हैं, रामदेव बाबा ने कहा है, श्री श्री ने बोला है, तो भूल जाना चाहिए. भूलते नहीं है, क्योंकि हम शादी हुई ना पहले दिन से मुनीम बन जाते हैं, हिसाब जोड़ने लग जाते हैं. राइट? दैट इज अ मिस्टेक. यू बी हियर नाउ. आज है आप यहां पे, आज आप एक दूसरे के साथ हैं, उसका पूरा मजा लीजिए. राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. वेदर इट इज योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर सन, योर डॉटर इन लॉ, योर चिल्ड्रेन, योर ग्रैंड चिल्ड्रेन, योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, इंजॉय इट. बी इन द मोमेंट नाउ. राइट? मेरे ड्राइवर ने लास्ट महीने गाड़ी ठोक दी थी, अब तो मैं गाड़ी में बैठता हूं तो धड़धड़ धड़धड़ होने लग जाता है. अरे भाई, तो फिर ठीक है, टैक्सी कर लो. नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मेरी गाड़ी है तो आप चला लो. अरे मैं नहीं चला पाता हूं अभी, मैं थक जाता हूं ट्रैफिक में. तो ठीक है, मान लो लास्ट महीने ठोकी थी ना, 2 साल से काम कर रहा है, पहली बार एक्सीडेंट हुआ ना, तो बाकी का हिसाब कुछ भी नहीं. राइट? 2 साल में कितने दिन होते हैं? 365 into 2, उसमें से एक दिन एक्सीडेंट हुआ था ना, आउट ऑफ 730 डेज. लेट इट बी, छोड़ो. बट नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं. तो ये सब प्रॉब्लम से कोप कैसे करें? राइट? देयर आर मेनी सिंपल वेज. द इजीएस्ट इज टॉक. हम दबा के रखते हैं अंदर ही अंदर, सब बात नहीं करते हैं. एक दूसरे से बात कीजिए, दूसरे लोगों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड से बात कीजिए. बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो होते हैं. हमें कभी कभार ही लगता है कि यार मैं क्यों इतना छोटी चीज को पकड़ के बैठा हूं, कुछ था ही नहीं उसमें. क्योंकि जब आप बात करें तभी आप खुद सोचने लग जाते हैं, इतनी छोटी चीज को पकड़ के बैठा हूं मैं, वो रियलाइजेशन आने लग जाती है. एंड दैट्स ऑल यू नीड समटाइम्स. ईक्यू क्या होता है? आईक्यू तो सबने सुना है. राइट? व्हाट इज आईक्यू? इंटेलिजेंस कोशेंट. व्हाट इज ईक्यू? इमोशनल कोशेंट. क्या होता है इमोशनल कोशेंट? डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस. वेरी गुड. व्हाट एल्स? सॉरी? एग्जैक्टली. ब्रिलियंट. इंटेलिजेंस आपकी सोच की काबिलियत को जज करता है. राइट? आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, कितनी चीज को अच्छे से समझ पाएंगे. लेकिन किन किस कैसे कौन से इंसान से किस तरह से पेश आना है, उसके इमोशंस को समझ के किस तरह से उसको हैंडल करना है, उसके इमोशंस को समझ के उसके लिए क्या अच्छा है, उसको हमें समझना है. और अगर ये चीज को हम समझ पाएंगे तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है. हमारे कितने सारे पेशेंट्स हैं जो एकदम सुखी हैं, उनको कोई और बीमारी की वजह से लाया जाता है. हम देखते हैं अगर उनको जज करते हैं तो कभी कभार तो वो उनका इंटेलिजेंस जो आईक्यू होता है नॉर्मल रेंज से भी थोड़ा कम होता है. लेकिन इतना समन्वय होता है दोनों के बीच में, इतने अच्छी तरह से जीते हैं कि आपको देख के कभी कभी खुशी भी होती है और कभी थोड़ी सी ईर्ष्या भी होती है कि इतनी सादगी है, इतने सिंपल है, एक दूसरे को समझ लेते हैं. राइट? कि कंप्लेन नहीं करते एक दूसरे के बारे में. तो कभी कभी लगता है कैसे मैनेज कर लेते हैं लोग, क्योंकि उनका ईक्यू बहुत ज्यादा है. उनको समझ है कि सामने वाले इंसान से किस तरह से हमें पेश आना है. आईक्यू इज अबाउट यू, ईक्यू इज अबाउट हाउ यू आर विथ एवरीबडी एल्स अराउंड यू. राइट? इसको आप समझ लो तो ठीक है, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा. म्यूजिक थेरेपी. म्यूजिक वर्क्स. राइट? इट डज. आज भी आप दोस्तों के साथ बैठो, मन्ना डे और किशोर कुमार के गाने सुनो तो यार मूड आ जाता है. ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया यार, छोड़. राइट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक. एंड इफ यू प्ले म्यूजिक, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन इट. राइट? आपकी आवाज कितनी भी कर्कश क्यों ना हो, लेकिन गाने में मजा तो आता ही आता है. राइट?
पूछ लीजिए अपने बीवी से या अपने हस्बैंड से, जब आप बाथरूम में गाते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है. उनको जो लगता है वो उनका प्रॉब्लम है, आपको अच्छा लगता है तो गाओ, राइट. कल बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था प्रदीप ने, अपने एक पेशेंट को बुलाया था, बट वो देखना चाहिए था. लेट इवनिंग था, सबको जाने की घाई थी. शुरुआत हुई, एक बंदा नहीं उठ के चला गया वहां से. एवरीबडी वॉज देयर राइट टिल द एंड, बिकॉज उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट है, जॉय है. आपको कोशिश करनी है बस. मेरे एक पेशेंट ने 83 के एज में सिंगिंग चालू किया, क्योंकि उसको हमेशा जिंदगी में बस एक इच्छा थी कि यार मुझे करना है. एंड उसके घर के लोग बोलते थे ठीक है गाते हैं तो ठीक है गाने दीजिए, बट अभी इतना लेट क्या जरूरत है, इतना इतने साल तो कुछ नहीं किया. बट व्हाई नॉट, बिकॉज इट मेक्स हिम फील सो गुड अबाउट हिमसेल्फ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक. आर्ट सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है, पेंटिंग हो, स्कल्पटिंग हो, अलग अलग किस्म के उपाय हैं, ये सब भी एक इलाज का हिस्सा है. पेट्स, कितने लोगों के पास पेट्स है यहां पे घर पे, राइट. गुड. कितने भी झगड़े हो, कितनी भी मुसीबतें हो, कितना भी टेंशन हो, वो 5 मिनट में गायब, राइट. आप सबके पास पेट्स थे, आपको पता नहीं है. यस, 0 to 1 year of a child's life is like a pet, or even up to 2 years. Unconditional love. कुछ नहीं, आप घर पे आओ मतलब सब दुनिया गई तेल लेने, right? अभी भी सब वो सोच के भी आप सबके मुंह पे मुस्कुराहट दिख रही है मुझे. And that is the beauty. But your children will grow out of their age and they will move on. Your pets will not, right? वो 10 साल का 15 साल का भी हो जाए आपका कुत्ता या आपकी बिल्ली, तो आपसे उतना ही प्यार दिखाते हैं. वो करते तो हैं लेकिन दिखाते भी हैं. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पेट थेरेपी एंड इट वर्क्स. अब्रॉड काफी ऐसे क्लिनिक्स हैं जहां पे पेट्स रखे जाते हैं स्पेशली पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, राइट. सो इट एक्चुअली वर्क्स. मे बी आपको रखने की अगर गुंजाइश ना हो, देर आर सो मेनी पेट शेल्टर्स. आप जाइए वहां पे, मिलिए, वॉलंटियर वर्क करिए, आपके नेबर्स के पेट से जाके खेलिए, उनको बोलिए रोज शाम को वॉक के लिए मैं लेके जाऊंगा. वो तो खुश है भाई, ठीक है चलो, वो हमको नहीं जाना पड़ेगा, डॉग वॉकर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में नेबर लेके जा रहे हैं. बट इट्स अमेजिंग, इट वर्क्स. जस्ट अ फ्यू डेज बैक मुझे किसी ने वीडियो भेजा था व्हाट्सएप पे, दे हैव अ डॉग शेयरिंग कंसेप्ट, राइट. आई डोंट नो आपके पास शायद आया होगा या नहीं आया होगा, कि एक बहुत ही यंग कपल है और बच्चे छोटे हैं, तो उनको वक्त नहीं है इतना, दिन भर तो बाहर रहते हैं तो क्या करेंगे. तो उनके नेबर जो सीनियर सिटीजन्स थे, उन्होंने सब रिटायर विटायर हो चुके थे, दोनों ने मिलकर एक पेट लिया, राइट. तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक वो सीनियर कपल उसको संभालेंगे, रात को 8 से सुबह 8 तक यंग कपल जो है अपने बच्चों वाले वो संभालेंगे. सो दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट नाउ द पेट हैज 2 families टू लिव विथ, एंड 2 families हैव द सेम पेट माइनस हाफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. सो इट वर्क्स, यू नेवर नो. फेथ, श्रद्धा, आपकी जो भी भावनाएं हैं, आपकी धार्मिक भावना हो, स्पिरिचुअल भावना हो, दैट्स ऑल्सो अ बिग हेल्प. देर इज नथिंग रॉन्ग. साइंस एंड फेथ आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन, राइट. डॉक्टर में भी तो श्रद्धा होनी चाहिए बोलते हैं लोग, राइट. लेकिन डॉक्टर तो साइंस का बंदा है, और काफ़ी श्रद्धा सिखाने वाले लोग हैं जो भी आपको साइंटिफिक तौर पे सिखाना चाहते हैं. मेरे ऐसे कम से कम 3 cases हैं मेरे पास, जो एक्चुअली वो बाबा है, राइट. एक तो मुल्ला जी है, दूसरे एक धार्मिक हिंदू बाबा है. पेशेंट उनके पास जाते हैं, अब वो इनकार थोड़ी करेंगे. उसमें से जो वो मुल्ला जी है वो तो काफ़ी सीनियर बंदे हैं, और वो चार्ज भी नहीं करते किसी को, तो वो कमर्शियल लेवल पे नहीं करते. लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगर आपको टेंशन की बीमारी है तो वो भूत का असर है, राइट. तो वो आएंगे, उनको ताबीज बाबीज दे देंगे, उनको कुछ सलाह देंगे, थोड़ा भभूति वगैरह दे देंगे, बोलेंगे ये थोड़ा 15-20 दिन ट्राई करो, और फिर उनको रियलाइज़ होगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, तो वो मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पेशेंट को दे देते हैं. एक मीरा रोड में एक बाबा है, वो तो बहुत मस्त है. उनका सिंपल प्रिंसिपल है, ऑफ कोर्स वो चार्ज करते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से चार्ज करते हैं. कभी कभी मुझे लगता है यार मैं डॉक्टर फालतू में बन गया, ज़्यादा कमा लेता. 2-3 महीने के लिए बुलाएंगे, कभी कभी उनका जो एक थोड़ा सा रेसिडेंशियल फैसिलिटी है वहाँ पे, राइट, आश्रम है वहाँ पे रखते हैं.
सब इलाज हो जाएगा, अनेक अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो जाएंगे, सब हो जाएगा, फिर उनको बोलेंगे अभी भूत तो निकल गया है लेकिन भूत ने दिमाग पे थोड़ा असर छोड़ दिया है, तो आप ये दिमाग के डॉक्टर के पास चले जाइए। तो हमें उनके साथ भी मिलकर काम करना पड़ता है, कुछ मना तो नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि नहीं वहां से आएंगे तो हम इलाज नहीं करेंगे। द पॉइंट इज दैट हमारे प्रैक्टिस में भी कितने लोग आते हैं, अभी भी जाएंगे देवी के दर्शन करने चले जाएंगे, बीमारी है तो कुछ यज्ञ कराएंगे, कुछ ना कुछ जंतर मंतर कराएंगे, कुछ तावीज़ ये वो। हम उनको सबको एक ही सलाह देते हैं, आपको जो करना है करिए, आपकी श्रद्धा के अनुसार आपको कोई चीज़ से फ़ायदा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दवाई के साथ, दवाई के बजाय नहीं। और ये सिंपल चीज़ है, अगर आपका फेथ आपको हेल्प करता है तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज इट कैन हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। Books are your best friend, right? Right. Somebody said very wisely, a library is a hospital for the mind. काफी किताबें पढ़ने से हमें इतनी जानकारी मिलती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी बढ़ जाती है, सो दैट ऑल्सो वर्क्स। एंड ऑफकोर्स नेचर इज द बेस्ट हीलर। इसका यह मतलब नहीं है कि खाए पिए जाओ, नेचर जो करेगा करेगा, राइट? इसका यह मतलब है कि आपको नेचुरल तरीकों को आजमाना चाहिए, राइट? द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ नेचर इज अ सिंपल लाइफ, अ सिंपल फूड हैबिट, अ सिंपल वॉक। गो टू द नेचर, राइट? जिम में जाने के बजाय वॉक के लिए जाइए, आरे कॉलोनी में या अच्छे कोई गार्डन में। एंड नेचर ऑल्सो गाइड्स यू इन द राइट डायरेक्शन, यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू डील विद इट। माइंडफुलनेस, व्हाट इज माइंडफुलनेस, पता है किसी को क्या है माइंडफुलनेस? होश, यस। अवेयरनेस, यस। एक्टिवनेस, ये पिक्चर देखिए आप, राइट? वो जो लेडी है अपने कुत्ते को वॉक के लिए लेके जा रही है, उसके दिमाग में सभी चीजें हैं एक्सेप्ट वेयर शी इज राइट नाउ एंड व्हाट शी इज डूइंग, राइट? वो कुत्ता क्या देख रहा है? पेड़ देख रहा है, क्योंकि है क्या सामने? पेड़। ना घर है, ना मोटर कार है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना बच्चे है, ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड दैट इज वॉट इज माइंडफुलनेस, बींग अवेयर ऑफ वेयर यू आर इन द लिविंग इन द मोमेंट, राइट? आपको मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूं मैं, इट्स अबाउट लिविंग नाउ। ये क्या है? कप, राइट? पिया आपने, हो गया, ठीक है, चलो। अब ये क्या है? वो भी कप है, राइट? बट आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में है वो कप, राइट? गरम चाय की प्याली है, बाहर बारिश हो रही है, साथ में करारे पकौड़े मिल जाए तो बस क्या बोलना, राइट? मुंह में पानी आ रहा है ना, आंख बंद करेंगे ना तो उसकी सुगंध भी आने लगेगी आपको, थोड़ा और ध्यान देंगे तो स्वाद भी आएगा मुंह में, राइट? दैट इज एक्चुअली माइंडफुलनेस। मजे की बात क्या है पता है? मैं आपको सबको अगर एनोनिमसली अगर मैं लिख के देने को कहूंगा कि आज दोपहर में आपने क्या खाया और क्या बना था, कल रात को आपने क्या खाया और क्या बना था, यू विल बी सरप्राइज्ड, मोर देन हाफ ऑफ यू विल गेट इट रॉन्ग। आपको याद नहीं होगा आपने क्या खाया, ठीक है, वो दो तीन स्टैंडर्ड सब्जी बनती है तो 50% चांसेस आर कि आपने ऐसे ही तुक्का भी लड़ा दिया तो सच होंगे। कैसा बना था पता नहीं है, बिकॉज ज्यादातर लोग क्या करते हैं खाते वक्त? टीवी देख रहे हैं, राइट? कितनी रोटी खा ली पता नहीं है, वो स्टैंडर्ड मुझे 3 बोला है डॉक्टर गाड़गे के डायटिशियन लिखकर, तो उससे ज्यादा नहीं खा सकता हूं मैं। अगर 2 भी होगी तो भी याद नहीं होगा, 4 खा ली तो भी याद नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ओवर ईटिंग इज ईटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, राइट? बिकॉज हमें पता ही नहीं है, वी आर नॉट माइंडफुल ऑफ वॉट वी ईट। इनफैक्ट वन ऑफ द थेरेपीज फॉर ओवर वेट पेशेंट्स इज माइंडफुलनेस ईटिंग थेरेपी, राइट? विच प्रोबेबली यू कैन इवन ट्राई इन योर क्लिनिक समटाइम्स। इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। आप आज घर जाएंगे ना तो आप टीवी बंद कर दीजिए, राइट? बेल बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए, बैठिए, थाली लेकर बैठिए, परोस के बैठिए, पूरा पतीला लेकर नहीं बैठना है, राइट? 2 रोटी है, सब्जी जो अपने रखी है वाटी में, हर एक निवाले के बाद आप 2 मिनट का विश्राम लीजिए और उसको आप महसूस कीजिए।
ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है ये सब्जी का स्वाद क्या होता है. एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट बट इट इज ट्रू. एंड दैट इज वॉट माइंडफुलनेस इज ऑल अबाउट. लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग वेर यू आर, एक्सपीरियंसिंग वॉट यू डू. और ये एकदम आसान है लेकिन हम कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं है. राइट, वॉट इज रेजिलियंस? रेजिलियंस क्या होता है? यस, इन अदर वर्ड्स सहन शक्ति. राइट, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेट करने की आपकी ताकत. सिंपल एग्जाम्पल है. राइट, ये भी झाड़ है, ये भी झाड़ है, कौन सा ज्यादा मजबूत है? हाँ, एक बनियन ट्री और एक कोकोनट ट्री है ना, कौन सा मजबूत है? ऑब्वियसली बनियन ट्री है. राइट, करेक्ट. तूफान आता है तो क्या होता है? ताड़ के झाड़ को कभी टूटा हुआ देखा है आपने? पत्ते गिरे हुए दिखेंगे आपको, मर जाएगा झाड़ तो भी खड़ा रहता है. क्यों? सिर्फ उसमें ताकत नहीं है. ताकत जरूरी होती है लेकिन ताकत से भी ज्यादा जरूरी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचक. राइट, एक बेंड हो जाता है तूफान के बाद वापस सीधा हो जाएगा और एक टूट जाएगा क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं है. टफ है लेकिन रिजिड है, कठिन है, मुड़ना नहीं चाहता है. एंड फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को बढ़ाना मतलब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी. आप में वो लचक होनी चाहिए, वो एडजस्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए कोई भी परिस्थिति हो. नॉर्थ इंडिया में इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है, जुगाड़. राइट, कैसे भी करके बंदोबस्त कर लेते हैं. और इंसान में ये काबिलियत है. आपको लगता है कि आप में रेजिलियंस है? है नहीं है तो तकलीफ क्यों महसूस करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल आई आस्क दिस क्वेश्चन, हाँ वो सब बराबर है डॉक्टर लेकिन हमको नहीं लगता है इतना टेंशन हम सहन कर पाएंगे. आप में जितनी ताकत है आप उसको समझ भी नहीं पाते हैं. ये कौन सा पिक्चर है, याद है आपको? सबने में देखा होगा. राइट, क्या था इसमें बम ब्लास्ट? 11th of July 2006 की ये तस्वीर है. राइट, आई वेंट बैक एंड गॉट फाइल फोटोज. दिस इज द पिक्चर ऑफ द 12th of July 2006. आप भी गए थे ना काम पे? यस, बहुत धक्का लगा. आपके कोई एकदम करीब के लोग शायद अगर बॉम्ब ब्लास्ट में गुजर गए तो अलग बात है, वरना आपको तकलीफ नहीं हुई, मैनेज कर लिया आपने. राइट, बिकॉज आप मानते हैं उतने आप कमजोर नहीं है, आप रेजिलियंट है. लेकिन हम समझते नहीं है कि हम रेजिलियंट है, हम समझते नहीं है कि हम में इतनी ताकत है, इसलिए हम गिव अप कर देते हैं. राइट, ये तो शायद कुछ लोगों ने महसूस किया होगा, कुछ नहीं, ज्यादातर लोगों ने महसूस नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ 5-6 ब्लास्ट थे. राइट, ये तो याद है आपको, सबने महसूस किया था. करेक्ट, राइट. 26th of July 2005, दिस इज द पिक्चर ऑफ 28th of July 2005. ट्रैफिक वेंट बैक टू नॉर्मल, सब्जी बेच रहा है बंदा, गेटवे ऑफ इंडिया पे टूरिस्ट भी आने लग गए थे. वी आर फार मोर रेजिलियंट देन वी थिंक. हम में जितनी काबिलियत है हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं. एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इंसान अपना बंदोबस्त कर ही लेता है लेकिन आपको अपने में विश्वास रखना जरूरी है क्योंकि आप में जितनी ताकत है शायद आप उससे वाकिफ नहीं है. राइट, द सिंपलेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ दिस इज, ये गुरु मंत्र है आपका. मैं कोई बाबा तो नहीं हूं लेकिन आपको आज ये गुरु मंत्र मैं देता हूं क्योंकि इसमें सब कुछ है. इसमें रेजिलियंस है, एक्सेप्टेंस है, सरेंडर है. राइट, तो ये आप अगर अपना लाइफ का मोटो बना ले, क्या होना चाहिए वो? जो होगा क्या देखा जाएगा, जो होगा. दिस इज द सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. राइट, सो आपको आज दो अच्छे गुरु मंत्र मिले हैं. पहला वाला क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है. Somebody is very very happy with it. And the other one is, जो होगा देखा जाएगा. इतना आसान है ये. राइट, ये सिंपल दो चीज भी आज के पूरे लेक्चर से अगर आप याद रखेंगे ना तो मेरा काम सफल हुआ. इट्स रियली एज सिंपल एज दैट. लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं. योगा एंड एक्सरसाइज ऑफकोर्स आर ब्रिलियंट. राइट, एंड एनीबडी कैन डू इट. अगर आपको लगता है नहीं अभी बहुत उम्र हो चुकी है, ये एग्जाम्पल को देखिए. शी इज द ओल्डेस्ट योगा टीचर इन द वर्ल्ड एट 98.5 years. एंड शी इज डूइंग योगा विथ द ओल्डेस्ट इंडियन योगा टीचर इन द वर्ल्ड
अम्मा ननमल हु इज 98 ईयर, शी इज 5 months ओल्डर देन हर. और ये कभी का है पता है, ये अभी वर्ल्ड योगा डे हुआ ना जो, कुछ दिनों पहले की बात है, तब का पिक्चर है. ये दोनों बैंगलोर में खास करके वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वहां पे आए थे और हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी गए थे वहां पे, वो नहीं कर पाए आधे आसन जितना इन्होंने किया था, राइट? एंड दैट्स द ब्यूटी. सो योगा एंड एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स सिंपल एक्सरसाइज जो आपसे होती है वो करिए. देयर इज नो नीड फॉर यू टू डू समथिंग वेरी स्ट्रेनियस, जिम जाइए वजन उठाइए, नहीं. वॉकिंग, साइकिलिंग, सिंपल राउंड लेने के लिए चले जाइए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू. टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स. आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, व्हाट्सएप चेक करने के बजाय एक खाता ये भी कर लीजिए. देयर आर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, वीडियोज, राइट, जो बहुत इंस्पायर करते हैं आपको स्ट्रेस से कैसे कोप अप करना है. देयर इज अ वेरी नाइस ऐप कॉल्ड हैप्पीफाई. हैप्पीफाई ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है. इट गिव्स यू सिंपल टेक्निक्स टू कॉम्बैट स्ट्रेस, कॉम्बैट एंग्जाइटी, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. रोज कुछ कुछ टिप देते हैं वो. देयर आर मेनी सच थिंग्स अबाउट टेक्नोलॉजी ऑल्सो विच हेल्प अस अ लॉट. एंड द इजीएस्ट देम इज लाफ. हंसना आसान है, आसान है हंसना, हंस के दिखाओ तो मानो यार. और मजे की बात क्या है पता है, आप जब हंसना शुरू करते हैं तो अपने हंसी पे भी हंसी आती है, राइट? लाफ्टर क्लब देखा है ना आपने, राइट? आप जाइए कोई भी सुबह में योगा के क्लासेस में जाइए या तो आप गार्डन में जाइए, सब हंस रहे हैं पागलों की तरह. और मजे की बात यह है कि सिर्फ एक दो बंदे शुरू करते हैं, बाकी का तो पीछे रुला लगा पड़ा है, राइट? बिकॉज लाफ्टर इज एन इंस्टेंट वेकेशन. तुरंत आप 5 मिनट हंसेंगे ना, आपके शरीर में इतने सारे पॉजिटिव केमिकल्स, डोपामीन वगैरह रिलीज होते हैं जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं. इट इज द क्विकेस्ट एंटी डिप्रेशन टैबलेट इन द वर्ल्ड. 5 मिनट में असर हो, ऐसी तो कोई दवाई है ही नहीं हमारे पास, लेकिन आपके पास है. आप इस्तेमाल नहीं करते हैं करके मुझे मेरी दवाइयां देनी पड़ती है, राइट? सो दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. व्हाट यू हैव टू डू, बोल के नहीं, करके दिखाओ. हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाफ. यू वांट टू सी दिस गाय और यू वांट टू सी दिस गाय, कौन चाहिए, ये बंदा चाहिए या वो चाहिए? हाँ, इट वर्क्स, राइट? इट वर्क्स बिकॉज लाफ्टर इज कंटेजियस. वो ऐसी बीमारी है कि देख के भी होती है, राइट? उबासी खाते हैं लोग तो बोलते हैं ना कंटेजियस है, हंसने से भी होता है वो. कोशिश करके देखो, बाजू वाले को देखो और हंसो, करो करो, कोशिश करो. हाँ, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. यू कैन लिव योर लाइफ हैप्पीली, जस्ट लर्न टू लेट गो. इट्स वेरी कलरफुल, बहुत सारे रंग है दुनिया के, आपको सिर्फ उसको पहचानना सीखना है. और अगर आप ये कर लेंगे तो देन यू हैव द बैलेंस इन लाइफ यू नीड. यू डोंट नीड अस, राइट? थैंक यू वेरी मच.